निकाले इसे। हाँ भाई। साफ करके टॉयलेट का बोर्ड लगा देना। लगा देंगे भाई। छोटा सा घर किराए पर दिलाने के लिए कहा था, ये है कि मुझे बंगला दिखाया जा रहा है। मालिक, आपको ये घर भी पसंद नहीं? मैं 25 सालों से ब्रोकर का काम कर रहा हूँ, मुंबई में सारे घर आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन आपको तो कम किराए पर एक बड़ा सा मकान चाहिए ना। मुंबई सिटी में अब सिर्फ दो ही घर बाकी रह गए हैं, एक प्रदीप सर का घर बचा है, उसका किराया ज्यादा है। मैं आपको वहाँ ले गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं भी चीर कर रख दूंगा। साहब, आप तो बैंक मैनेजर है ना, फिर ये चीर फाड़ क्यों करते हैं? चोपड़ पट्टी में पैदा हुआ पर मेहनत करके बैंक मैनेजर बना हूँ मैं। ओए, नागपुर में बैंक मैनेजर प्रकाश कदम को बच्चा बच्चा जानता है। जरूर तो किस्मत खराब थी कि नागपुर से यहाँ मुंबई भेज दिया। एक हफ्ते में मुझे घर ढूंढना है, वहाँ नागपुर में सीना तान के चलता था। एक काम कीजिए ना, वही सीना आप यहाँ उठा कर ले आइए। वो सीना लोहे का बना हुआ है, उस सीने को तुम्हारे सर पर मारना तो तुम मर जाएगा। अब जल्दी किसी और घर के बारे में बता। अब लास्ट एक ही घर बचा है, वो भी यहाँ के एमएलए का घर है। एड्रेस बता। आइए साहब, आइए साहब।
ये देखिए गेट ही कितना बड़ा है। देखिए शांत रहो, मुझे देखने दो, चलो गेट खोलो। ओए गोरखा। नमस्ते सांसी। कौन है ये? गोरखा है सर, नेपाल से आया है, 18 सालों से यही काम कर रहा है सर। शैतान की तरह दिख रहा है, जरा दूर ही खड़े रहो। चा, 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 चा। आइए साहब, आइए साहब, अपने शूट चलना को लाइए साहब, आइए 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 साहब, आइए साहब, यही नमस्ते मालिक। ये कौन है? हमारे एमएलए साहब की दूर की रिश्तेदार है बेचारी, इसका पति नहीं है ये और इसकी बेटी यहीं पे रहती है, इस घर की देखभाल भी यही करती है और आपके घर का भी सारा काम यही कर दिया करेगी। ये किसकी आवाज है? अरे ये कौन चिल्ला रहा है? मेरी बेटी के पेट में दर्द है इसीलिए वो चिल्ला रही है, आप आराम से घर देखिए। साहब आइए साहब, उसकी बेटी है, आप घर देख लीजिए साहब, इस तरफ से आइए साहब, आइए साहब, आइए। अच्छा हो पेट भर का बहाना बनाकर बच गए। साहब ये पूरा का पूरा घर व्हाइट मार्बल से बना है साहब, इसमें आकर कितनी शांति मिल रही है साहब, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा साहब, बहुत ही अच्छा। आइए साहब ऊपर चलते हैं, यहाँ पे दो एसी रूम है, एक इधर है और एक साहब एक वहाँ पे। मनीष। हाँ बोलिए साहब। सब रूम दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये घर पसंद आ गया साहब जी। घर पसंद आ गया, घर पसंद आ गया, घर पसंद आ गया, हे भगवान आपने मुझे बहुत बड़ी आफत से बचा लिया भगवान। किराए का ही घर दिखाया ना, ऐसे खुश हो रहा है जैसे घर बेचा हो तुमने। शांत रह, फोटो खींच रहे हैं, यहीं पर आने वाले हैं, फिर फोटो किस लिए खींच रहे हैं? अपनी फैमिली को दिखाऊंगा ना। खींच लो साहब, अच्छे से खींच लो साहब, आप एक अच्छी पार्टी हो। सरोज बुआ आओ ना। आओ बुआ, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? सब अच्छे हैं, बैठो। आपको देखिए कितने साल हो गए। अरे हाँ एक बात पूछना भूल गई। कौन सी बात? आपके पैरों की हड्डी बड़ी मजबूत है। हाय राम, ये क्या कह रही हो? वो क्या है कि आपके साथ की सारी औरतें ऊपर पहुंच गई हैं और आप अभी तक सुधरे। मजाक कर रही थी। अच्छा सुन, मेरे पोते की शादी है, तुम्हें आना है। क्या हुआ? अभी तो हंस रही थी, अचानक क्या हो गया? सब लोगों की शादी हो रही है, एक ही लड़का है हमारा, उसकी शादी नहीं करवा पा रहे हैं हम। तेरे बेटे में कोई कमी है क्या? कुछ मत पूछो, शाम की 6 क्या बजते हैं वो लड़का घर से बाहर ही नहीं जाता। ये नई बात क्या बता रही है? ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। हमारी शादी के 15 साल बाद ये लड़का पैदा हुआ था, इसीलिए इसके बाप ने इसे बड़े प्यार से पाला पोसा है। ना समय पर खाता है, ना समय पर सोता है, रोज भूतों की कहानियाँ सुना सुना कर उसके बाप ने उसे डरपोक बना दिया। अब तो ऐसी हालत है उसकी कि अंधेरे के नाम से ही डर जाता है। मैंने उसे बड़े प्यार से पाला और उसके बाप ने डरा डरा कर। अब आप ही बताइए बुआ, शादी के बाद अपनी बीवी को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं लेकर जाएगा, ऐसी शर्त है। अब कौन लड़की इससे शादी करेगी? इतना ही नहीं, रात को अगर उसे बाथरूम जाना होता है तब भी मुझे उठाता है, बोलिए। अरे छोड़ रे, ये भी कोई चिंता की बात है? तेरा बेटा अच्छा है जो डरने की बात सबको बता देता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो अंदर से तो डरते हैं मगर खुद को बहादुर बताते फिरते हैं। मगर बेटी तेरा बेटा है कहाँ बुलाना? पर रुकता कहाँ है, अभी तो दिन है ना, रात को भीगी बिल्ली और दिन में शेर बनकर घूमता रहता है वो। ए, कोल्ड ड्रिंक्स में दारू क्यों मिला रहा है? अरे वो गणेश है ना, सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक बहुत पैसा खर्च करता है और 6 बजते ही घर से टक लेता है। भूतों से डरता है और अंधेरे से भागता है। इसे पीने के बाद उसे टाइम का पता नहीं चलेगा, अंधेरा कब हुआ होश ही नहीं रहेगा। कैसा आइडिया? पीले पीले पीले। कोल्ड ड्रिंक कैसी लग रही है? मजा आ गया यार, एक और कोल्ड ड्रिंक मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। आज के बाद ये भूतों से नहीं डरेगा, चलो उठाओ 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 उठाओ। 5:50 हो गए, अंधेरा हो जाएगा फिर भूत पकड़ेंगे। अच्छा हुआ 6 बजे तक घर आ गए। देखा ना, 6 बज गए। सर पकड़कर भागते हुए क्यों आ रहा है? सर पकड़ के कोई भाग नहीं सकता, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। 5:30 से 6 बजे तक डैडी ने मुझे जॉगिंग करने के लिए कहा। मुझे पता है, तेरी माँ ने बता दिया है कि भूत के नाम से मुझे डर लगता है। माँ तूने इसे भी बता दिया क्या? उसे छोड़ो, तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्यों क्या हुआ, मैं नहीं आ सकती, मेरे पोते की शादी है, तुझे बुलाने आई हूँ। माँ इसके पोते की शादी होने वाली है, उसी के बारे में बात कर रही थी। तेरा बेटा तो बहुत डरता है, हमारे घर के पास एक बाबा रहते हैं, उनकी छोटी सी ताबीज से ठीक हो जाएगा। छोटी सी ताबीज? गणेश जरा इन्हें दिखा दो। ये क्या किलो के भाव से ताबीज बांध रखे? ये तो बहुत थोड़े, अंदर और भी नहीं।
तेरा बेटा अभी भी बच्चों वाली हरकतें करता है। ठीक कहा माँ, चलो माँ। कहाँ पर ले जा रहा है? अंदर लाइट जलानी है, अंधेरा लग रहा है। तुझसे तंग आ गई हूँ। दाल डालो। डाल रही हूँ। कोलेस्ट्रॉल। अरे क्या कर रहा है, इधर दे। दे तो दूंगा पर इसे खाने से दिल की बीमारी हो जाएगी। नहीं नहीं, तू ही खा ले। सुन, लगता है तेरे डैडी आ गए हैं, जाकर दरवाजा खोल। क्या हुआ? 10 बज रहे हैं। तो क्या हो गया? अकेले जाके नहीं खोलूंगा। नहीं खोलूंगा। ले लो, पर दिल की बीमारी हो जाएगी। पहले कहता है बीमारी हो जाएगी, अब कहता है खा ले। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कौन है? हाँ दादी। हाँ? दरवाजा खटखटाने की आवाज तुम्हें भी सुनाई दी थी ना? सुनाई दी थी। तो माँ बाहर देखने के लिए क्यों गई है? अरे किसी चीज की आवाज होगी। और किस चीज की आवाज होगी दादी? क्यों डर लग रहा है? मुझे डर नहीं लग रहा है, तुम जो पास बैठी हो। मैं चिकन ले लूं क्या? तुम ये खा लो। इसमें कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होगा ना? इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, खा लो। खाते समय तो मेरे साथ रहोगी ना? माँ क्या है? बाहर क्यों गई थी? दरवाजा ठीक से बंद करो। फालतू में चिल्ला मत। फिर दरवाजा मत खोलो माँ, तुम आओ माँ, दरवाजा मत खोलना। ऐसा क्यों डर रही हो? तुम से डरा रहे हो? पहले से एक डरा हुआ लड़का घर में है, 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता वो। शाम के 6 बजे के बाद अगर एक जवान लड़का घर से बाहर नहीं जा पाता हो तो उसकी परवरिश कितनी अच्छी तरह से की होगी। इसकी उम्र के लड़के कॉलेज बंक मारकर बार में जाकर डिस्को जाकर सुबह सुबह नशे की हालत में घर आते हैं, लेकिन हमारा बेटा है जो कि 6 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं जाता। इतने अच्छे संस्कार दिए हैं हमने उसे। अच्छे संस्कार दिए हैं, जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? अरे हो गया ना। ये क्या है? हम जहाँ जा रहे हैं वो घर है, जरा स्टाइल से दिखा रहा था। क्या स्टाइल है? आए हाय। ये बता, मेरी पहली फोटो देखने से लेकर इस फोटो के देखने तक तू हर बार मुझे आए हाय कहती है, ये आए हाय है क्या? हाँ वो सब तो बस ऐसे। डर के मारे तूने दादी को क्यों पकड़ रखा है? मैंने दादी को नहीं पकड़ा है, दादी ने डर के मारे मुझे पकड़ा है। छोड़ो दादी। ये देख घर कैसा है, देख कर बता। ये तो बहुत बड़ा घर है। तू हर चीज को देखकर डर क्यों जाता है? 6 बजे के बाद सिर्फ हमें देखकर डरा करो। चलो चल आजा। अब मुझे ये खाना वाना नहीं चाहिए बेटा। क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसमें मैं क्या करूँ? बेटा उसमें से एक ताबीज मुझे दे दे। डर लग रहा है? बहुत ज्यादा डर लग रहा है। देखा डर गई ना माँ। कैसे बेहोशी की नींद सो रहे हैं, वो भी आवाज निकाल निकाल कर। ये भी क्या कोई इंसानों के खर्राटे? ऐसा लग रहा है कि आपस में प्रेतात्माएं बात कर रही हैं। दादी और माँ के बीच में सो जाता हूँ तभी नींद आएगी। दादी हाथ हटाइए ना, शर्म आ रही है। हाथ हटाइए, शर्म आ रही है? किससे बात कर रही है ये बुढ़िया? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कोई भूत तो नहीं है? बाप रे, पता नहीं क्या हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। माँ क्या है? माँ अरे क्या है? बाथरूम जाना है माँ। जाना है तो क्या माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे अकेले जाने में कितना डर लगता है जानती हो ना? बाप रे, चलो माँ। ये तो दोबारा सो गई। क्या है, क्यों मुझे सताता रहता है? अरे सब जाना बंद करो माँ, ऐसे में तुम भूत नहीं लग रहे हो। ठीक है चला। मुझे डरा रहे हैं, जरा अपने पति को तो देखो कैसे भूतों की तरह चिल्ला रहा है। माँ अंदर क्या? क्या है? तुम यहीं पर खड़ी हो ना? दिख नहीं रहा है, यहीं पर तो हूँ। माँ इससे अच्छा अंदर आकर खड़ी हो जाओ। क्यों क्यों मुझे ऐसे परेशान करता है? ठीक है यहीं खड़ी रहो। माँ तुम बाहर खड़ी हो ना? हाँ यहीं हूँ। माँ शांत क्यों, कुछ तो बात करो। क्यों रे, मैं यहाँ पर क्या बात करूँ, यहाँ पर कोई बहस चल रही है क्या? जल्दी निकल। कम से कम कोई गाना ही गा दो माँ। बाप रे, क्या कर रहा है, क्यों मेरा खून पी रहा है? चल रुक रुक रुक, यहीं पर रुक। जहाँ भी देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई खड़ा है। ना मुझे सोने देता है, अब मुंह बंद करके चुपचाप सो जा। जा सो जा। इससे डर भाग जाएगा क्या? भाग जाएगा।
कुछ भी लगा लो पर नींद नहीं आने वाली। किसी को जागते रहना चाहिए, लेकिन किसे जगाऊं मैं? इस बुढ़िया को उठा देता हूँ। ए दादी, दादी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या पता है दादी, अभी अभी यहाँ से कोई काला काला गया। बाप रे, क्या सच में कोई गया? अरे रात को 2 बजे के बाद अगर आँख खुल जाती है तो मुझे नींद नहीं आती रे। तुझे नींद नहीं आती? सच में नहीं आती ना? यही तो मैं चाहता हूँ। अभी कुछ गया था, बहुत डर लग रहा है बेटा। क्या है बेटा? क्या है बेटा? मुझे एक ताबीज निकाल कर दे दे। हे भगवान, ये ले पकड़। जागती रहे। गणेश भैया, भैया आपको कैसे पता मैं यहाँ रहता हूँ? कोई बात नहीं, आइए आइए आइए। शालिनी, ये हाय गुड्डी। हाय अंकल। कैसी हो? अच्छी हूँ अंकल। भैया आप पहली बार मेरे घर आए, आप मेरी बहन को कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं? ये अंकल मुझे डेली चॉकलेट लाकर देते हैं। अंकल चॉकलेट? ये रही। थैंक यू अंकल। आइए भैया, पापा से मिलवाता हूँ। पापा ये हाय। अरे गणेश कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? मैं भी बहुत अच्छा। भैया आप मेरे पापा को कैसे? यार मुझे नहीं जानते, मेरे घर को नहीं जानते, मेरी बहन को कैसे जानते हो, मेरे पापा को कैसे जानते हो, ये मत पूछना। हम दोनों वॉकिंग फ्रेंड हैं। बिल्कुल सही कहा, हम वेरी बेस्ट फ्रेंड हैं। ही इज वेरी स्मार्ट मैन। मैं वॉकिंग के लिए लेट हो जाता हूँ पर ये नहीं होता, ये पहले ही पहुँच जाता है। इतना ही नहीं, जो वॉकिंग करते हुए क्या जोक सुनाता है, इसके जोक सुनकर मेरे पेट में दर्द हो जाता है। कल जो जोक सुनाया था हाथी चींटी का, क्या जोक था? चींटी हाथी के ऊपर। कोई बात चलेगा ना? क्यों इतना हंस रहे हो जी? अरे गणेश, अरे जी आप मम्मी को भी बताता हूँ। मैं साईं बाबा का एक बहुत बड़ा भक्त हूँ, माजी भी उनकी भक्त हैं। पता है, पता है। सर गुरुवार के गुरुवार मैं साईं बाबा के मंदिर में नारियल तोड़ता हूँ, माजी माला पहनाती है, माजी माला पहनाती है, मैं नारियल तोड़ता हूँ। ये बात तो मुझे नहीं पता था। तो पता चल गया। हाँ हाँ पता चल गया। तो चलिए फिर नाश्ता करते हैं। करते हैं आपके घर में? घर मेरा, इनवाइट तुम कर रहे हो। बात तो एक ही, आओ बैठते हैं। बिना किसी रिश्ते के ही तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा बन गए हो। मैं रिश्ता बनाने के लिए आया हूँ सर। रिश्ता? सर मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ सर। कहना क्या चाहते हो? मैं आपकी बड़ी बेटी से प्यार करता हूँ। कोई बात नहीं, तुम प्यार करते हो, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे लव करता हूँ यही तो बोला है, किडनैप करने की बात तो नहीं कर रहा हूँ। जरा 5 मिनट बैठिए, आराम से बात करते हैं। बैठिए आंटी। क्या आराम से बात करेगा? सर आपकी लड़की से मैं सिंसियरली लव करता हूँ। मैंने आज तक कभी उसे बताया भी नहीं है, उसे पता नहीं कि मैं उसे प्यार करता हूँ। मैंने आज तक उसे छेड़ा नहीं है सर। 3 साल से मैं उसे प्यार करता हूँ और अगर मैं चाहता तो उसे पकड़ कर ले जाता और शादी कर लेता, पर ऐसी शादी करता तो क्या होता ये भी जानता हूँ सर। क्या होता? आप फांसी लगाकर मर जाते। ये देखकर माजी हार्ट अटैक से मर जाती और ये दोनों बच्चे अनाथ हैं। और उसे ये पता चलता कि मेरी वजह से उसके मम्मी पापा मरे हैं तो मुझे छोड़ देती। मैं हाथ में बोतल लेकर देवदास की तरह पड़ा रहता, ये अच्छा नहीं लगता सर। हाँ, नहीं लगता? हाँ, हाँ। जब आप दोनों हाँ बोलेंगे तो मैं उसे आई लव यू कहकर आपकी आज्ञा से उससे शादी कर लूंगा सर। शादी करेगा? किसके साथ शादी सर, करेगा? सर, सर, आपको मेरे ऊपर डाउट होगा सर, मैं कैसा हूँ, मेरा परिवार कैसा है? मेरे डैडी बैंक मैनेजर है सर, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। 1 साल बाद मेरे डैडी रिटायर होने वाले, वो नौकरी मुझे मिल जाएगी सर। ये रहा मेरा राशन कार्ड, आप देख सकते हैं सर। सामने जवान दिख रहा है, फोटो में बुढ़ा दिख रहा है सर। वो मेरे डैडी। तुम्हारे डैडी हैं? डैडी हो या लेडी मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मेरे घर में आकर कहता है आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई कहने की? घटाओ, शट अप। तुम बैठ जाओ बेटा, क्या है इसका कहना भी गलत नहीं है। अरे दूसरे लड़के लव करके उन्हें ले जाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और ये बेचारा कितनी इज्जत से शादी की बात कर रहा है। कृष्ण की तरह दिखता है, कैसे शर्मा रहा है। घर का इकलौता बेटा है, किस्मत से ऐसा दामाद मिलता है? दामाद मिला? जीजा जी सही कह रहे हैं पापा। जीजा जी, जीजा जी में क्या कमी है? क्यों दामाद जी, ये सब तो आपकी तरफ हो गए। ससुर जी मुझे दामाद कहकर आप भी मेरी तरफ हो गए। रहने दो, फट से पैर पर गिरने लगा, वहाँ गिरो। वही बड़ी चीज है, बैठ जाओ। आप सब लोग तो मान गए लेकिन आपकी बेटी अभी तक मेरे पास नहीं आई। वो तुम्हारे पास आए या ना आए पर सीढ़ी से उतर कर आ रही है। जाने दो। पापा ये कौन है? ये तुम्हारा लवर है बेटी। ये मेरा लवर है? या आप मेरे साथ जोक कर रहे हैं? अरे रे, ये कोई जोक नहीं है बेटी, हम बहुत सीरियस हैं। ये हम सबको पसंद आ गया। पसंद आ गया हूँ? तुम्हें भी पसंद है ना सर? हा? मैं बताता हूँ, कैरी ऑन। मैं तुमसे 3 साल से प्यार करता हूँ, ये बात तुम्हें मैं भी बता सकता था लेकिन तुम्हारे घर वालों की परमिशन से बताना चाहता। ए मिस्टर जरा इधर आओ। छे पर्सनल बातें बाद में करना, देखो यहाँ बच्चे भी बैठे हैं। ए मिस्टर पर्सनल बात नहीं है, इधर आओ। मुझे किस तो नहीं करने वाली? ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, प्यार नहीं हो सकता। ओके बाय।
फील मत करना दामाद जी। सर मैं फील नहीं कर रहा हूँ, आपकी बेटी की जिंदगी बहुत स्टाइल वाली है। मैं क्यों फील करने लगा? आप इस पे एक साइन कर दीजिए। किस लिए? मैं अभी जाकर आपकी बेटी से प्यार करूंगा। हाँ। वो पुलिस में कंप्लेंट करेगी। हाँ। पुलिस मुझे अंदर कर देगी। जरूर कर वो देगी। मुझे अंदर न करे इसलिए आपके साइन करवा रहा हूँ। हाँ, करवा रहे हो। ये प्यार का परमिशन लेटर है। तुम बिल्कुल डिफरेंट कर रहे हो। साइन कीजिए ना। पेन तो दो। क्या? पेन नहीं है, ये यहाँ पर है। इंक है ना? है ना, लाइए मुझे दीजिए। ये लो, अब ठीक है। ये लो। बहुत बहुत धन्यवाद। पेन तो वापस करो। हा? वो हाथ में है। ये तुम भी। अच्छा मैं चलता हूँ। मेरी एक कमजोरी है जो मैं बताना चाहता हूँ। कैसी कमजोरी? शाम को 6 बजे के बाद मैं बाहर नहीं जाता हूँ। अंधेरे से डर लगता है, भूतों से तो बहुत डर लगता है। ये बात तुम्हें साइन कराने से पहले बतानी चाहिए थी, अभी बता रहे हो। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, तुम तो फिर भी ठीक हो। 6 बजे के बाद अंधेरा होने पर कहीं नहीं जाते हो, पर ये जो तुम्हारे ससुर जी है ना, सरेआम दिन में बारिश आने से पहले जो काले बादल छाते हैं ना, उसी अंधेरे को भी देखकर बाहर जाने से मना कर देते हैं। और इतना ही नहीं, बाथरूम जाने के लिए भी। ससुर जी, दामाद जी, ससुर जी, क्या है ये सब साइन करने से पहले बताना ना। छोड़ो उसे, बाथरूम जाने दो उस बात को। अच्छा ओके, मैं आपकी बेटी के साथ एक डुएट गा के आता हूं। जाओ तुम दोनों डुएट गाओ। ऑल द बेस्ट। ऑल बड़ी कॉमेडी वाली फैमिली। हां बाय। बहुत शर्मीले हैं दामाद जी। अब तू इतना क्यों शर्मा रही है? नाश्ता लगा जल्दी। नाश्ता लगा जल्दी से। एए, मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकती, बोल दिया ना। प्यार व्यार की बातें हम बाद में करेंगे। काले रंग के बारे में क्या बोला था तूने? काले रंग के बारे में गलत बोलती है तू। फ्रेंड्स, हमारे काले रंग के बारे में गलत बोलती है। बताओगे? मेरे लवर है। तब तो ठीक है। क्या तब तो ठीक है भाई? लवर है तो काले रंग के बारे में कुछ भी बोलेगी। अभी इसका नशा उतारता हूँ। हाँ। क्या कलर कलर की बात कर रही है तू? तेरा कलर ही नहीं, दुनिया में जितने भी कलर हैं उसमें काले कलर की जरूरत पड़ती है। तू जिन आँखों से ये दुनिया देखती है ना, उसकी भी पुतलियाँ काली होती हैं। उसे निकाल दो तो कोई कलर दिखाई नहीं देगा। ए स्टॉप इट। इतना ही नहीं, भगवान को भी काला कलर पसंद है। सब काली माता बुलाते हैं, किसी को सफेद माता बुलाते हुए देखा है कभी? एक बात और सुन लो, तूने काले का मजाक उड़ाया है इसलिए ये डायलॉग तेरे। तेरा कलर मेरे पैरों के नीचे है, मेरा कलर तेरे सिर के ऊपर है, यही इस काले कलर का लेवल है। हे स्टॉप इट, आजा बेटा। सुपर भाई, क्या घमंड तोड़ा है गोरे रंग का। काफी है, लड़ाई खत्म हो गई है। आग लगा के अलग मत करो, चलो उड़ो यहाँ से। लड़ाई खत्म हो गई है, प्यार करें। तू बार बार इसे क्यों छेड़ रहा है? क्या तुझे छेड़ो? आजा। हाय राम। क्या है राम, लड़ाई खत्म हो गई है, चलो। देखो मैं पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस को बुलाऊंगी? एक्सक्यूज मी। आ गई पुलिस। तू बुलाने का इंतजार ही कर रहा था क्या? यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉ कर रहा हूँ। ये तो मुझे बता रहा है। तुमने पूछा तो तुम्हें ही बताऊंगा ना, और किसको बताऊंगा? उसके लिए मेरी परमिशन लेनी होगी। तो दो परमिशन दे दी। चलो प्यार करें। सर। ए, क्या मुझे कंफ्यूज कर रहा है? मैं तुझे अंदर डाल दूंगा। सर गणेश के सामने ऐसी बातें मत कीजिए। कौन है? शिव शंकर का बेटा गणेश। सर डराने की कोशिश मत कीजिए, ये देखिए। ये क्या है? एनओसी लेटर। एनओसी लेटर? मेरी बेटी को गणेश प्यार कर सकता है? अगर बीच में पुलिस आई तो वो भी अरेस्ट हो सकती है। लाओ, आपकी वजह से नई खबर बन जाएगी। तिरुपति में लड्डू न मिलना पुरानी खबर है, पुलिस का अरेस्ट होना नई खबर बन जाएगी। चलते बनो। ये कैसी फैमिली है तुम्हारी? बहुत अच्छी फैमिली है। तुम जाओ। तुम क्यों माथा फोड़ रही हो? तुम्हारी ये भोली सूरत और मदमस चाल, आंखों में लहराता प्यार का समुद्र और गालों से टकराते जुल्फों के बादल, जब प्यार से मुझे इशारा करते हैं तो तुम्हारी जुबान से निकलने वाले तीरों से भी तीखे शब्द मेरे इस टूटे हुए दुखी दिल को फूलों की तरह छू जाते हैं, और तब मेरा दिल कहता है प्रिया। डार्लिंग। Hey, तूने मेरी बेटी को क्यों मारा? सर इसने भी तो मुझे मारा था। अरे ये मारा तो आप भी इसे मारेंगे, इसीलिए मेरी बेटी से शादी करेंगे। Hey, क्या कर रही है? इसके साथ इतनी इज्जत से क्यों बात कर रही है? Hey, जब तू हमारे सामने हमारी बेटी को मार रहा है तो शादी के बाद क्या करेगा? जा यहाँ से। सर गलती हो गई। Hey, क्या गलती हो गई कह रहा? चल निकल यहाँ से। अंकल आपने जो किया वो गलत है। सर आपने जो किया गलत है। क्या सर पैर कर रहा है? चल निकल यहाँ से। सर देखिए मुझ पर हाथ मत लगाइए। दामाद बनने आया है। आओ दे दो। दामाद जी का? पापा मैं भी इन्हें प्यार करती हूँ। मैं जानता था तुम प्यार करती हो, ये बात सबको पता है। तुम अपने मुँह से कबूल करो, इसलिए सबने ये नाटक किया था। कैसा लगा? क्या कहा? नाटक किया था? ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, पहली बार मुझे छूने आ रही हो, पहला टच और पहला किस लंबा होना चाहिए, मैंने सोच कर रखा है। शादी के बाद
सुहागरात में मिलेंगे। ओपन क्लोज। ससुर जी। हाँ हाँ संभल कर जाना। बाय 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 बेबी। शादी हो गई। सुहागरात में सब अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए, कौन कहाँ से कहाँ जा। सुपर, बैठो बैठो बैठो। पता है अकेले में आवाज सांसें सब कुछ रुक गई थी। सुनो वो भूत भूत नहीं है। तुम भूतों से डरते हो, मम्मी पापा बता रहे थे। ऐसी बात है, ऐसी बात है। मुझे ना एक छोटी सी डाउट है। क्या डाउट है? ये सुहागरात रात में ही क्यों रखते हैं? दिन में होती तो कितना मजा आता ना। ये किस तरह का डाउट है? एक और डाउट है, यहाँ पर जो मोगरे के फूल लगे हैं, इनकी जगह पर अगर गुलाब होते तो कितना अच्छा होता। वो किस लिए? वो क्या है, मोगरा भूत प्रेत और आत्माओं को बहुत अच्छा लगता है, उनकी पसंद को यहाँ लगा दिया, उन्होंने आकर हमें डिस्टर्ब कर दिया, तो ये सब किस लिए? हे भगवान, टाइम वेस्ट मत करो, लाइट ऑफ करो। लाइट ऑफ बिल्कुल मत करना। हाँ। ओए, तुम भूल रहे हो कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है। तुम्हारे लिए फर्स्ट नाइट होगी, मेरे लिए तो फर्स्ट लाइट है, उसके बाद ही सब कुछ हो सकता है। पर लाइट जलाकर वो सब कैसे? बिना लाइट के जो कुछ भी हो सकता है वो लाइट में क्यों नहीं हो सकता? लाइट ऑफ नहीं हो सकती, बस मैंने कह दिया। देखो तुम्हें अभी अपना डर भगाना है ना। लाइट ऑफ करती हूँ। मैं लाइट ऑफ करती हूँ, तुम आंखें बंद करो और मुझे कस के पकड़ लो, डर चला जाएगा। चला जाएगा? आंखें बंद करो, अब कस के पकड़ लो। डर चला गया ना? मेरा सेलेक्ट किया हुआ नया बंगला कैसा लगा? ये बंगला नहीं भूत बंगला लग रहा है। फिर शुरू हो गया ये। ये बेचारा अभी बच्चा है ना। पापा जी ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हर चीज जांच पड़ताल करके ही लेता हूँ। नमस्ते शॉपसी। हाँ नमस्ते। अरे ये जला हुआ आदमी नहीं है, इस घर का गार्ड है, पिछले 18 साल से यहीं पर है। चिकन तंदूरी पर मसाला लगाता है, लेकिन आज ये खुद पर मसाला लगा कर आया है। नेपाल छोड़कर यहाँ आया है। ये नेपाल से आया हुआ नहीं, लगता है शमशान घाट से सीधा उठ कर आया है। अगर यहाँ पर नेपाल का महाराजा भी आ जाए तो भी वो तुझे भूत जैसा ही लगेगा। बिल्कुल मुझे तो ऐसा ही लगेगा। इंसान है या भूत ये देखने के लिए इसके पैर आगे निकालने के लिए कहो। ओए इतने बड़े बड़े पैर उन्हें दिखाता क्यों नहीं है? हाँ भाई जरा हाथ दिखाना। इंसान ही है ये। मेरा बच्चा तुमसे डर रहा है, जाकर गेट पे खड़े हो जाओ। जाओ जाओ तू चल बेटा। मेरे भी पैर है या नहीं देखोगे क्या? मंगल सूत्र बांधने से पहले ही पैरों का साइज देख लिया था, बाकी जो देखना है अंदर चल के देखूंगा। चलो बाहर की सुंदरता तो देख लिया, अंदर की सजावट देख लो, देख कर हिल जाओगे। नमस्ते डैडी, ये कौन है? इस घर के जो मालिक हैं वो MLA हैं, ये उनके दूर के रिश्तेदार हैं। ये और इसकी बेटी यहाँ पर रहती हैं। बहुत लाचार है बेचारी, घर के कामों में ये बेचारी हमारी मदद कर दिया करेंगी। डैडी इस घर में सब अजीब अजीब लोग रहते हैं, चलिए कहीं और चलते हैं। ए, अंदर जाओ। सुनो जी आवाज कैसी थी पापा? अरे जी? कुछ नहीं है। हा? मैंने कहा था ना इनकी एक बेटी है, उसके पेट में दर्द उठता रहता है इसीलिए वो चिल्ला रही है। आजकल तुम्हारा बेटा दिन में भी डरने लगा है। ये भूतों जैसी चिल्लाएगी तो वो क्या करेगा, डर के भागेगा ही ना। अच्छा ठीक है बेटी, तुम जाकर गणेश को बुला लाओ। ये सब तुम क्या कर रहे हो, अंदर चलो। क्या कहा मैं अंदर चलूं? पहले अंदर से जो आवाज आई थी उसकी पूरी डिटेल पूछकर मुझे बताओ, तब अंदर जाऊंगा। पूछ लिया है, उनकी बेटी के पेट में दर्द है, वही चिल्ला रही है। पेट में दर्द है? पेट में दर्द होता है तो मम्मी पापा कह के चिल्लाते हैं, ऐसे करके थोड़ी चिल्लाते हैं। मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं है विश्वास? मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे? नहीं नहीं करूंगा, करता हूँ। पुरानी जगह पर तो सब जानते थे कि तुम डरपोक हो, यहाँ किसी को पता मत चलने दो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, कौन है डरपोक? मैं किसी से नहीं डरता, मैं तो बहुत हिम्मत वाला आदमी हूँ।
अच्छा लड़की के पेट में सच में दर्द था ना? हाँ सच में था। हाँ तो फिर ठीक है जानो चलो चलें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तुम्हारे बेटे को भूतों से डर लगता है क्या? हम जहाँ रहते थे वहाँ मेरा बेटा ही भूतों को भगाता था। आप आइए जी। भूतों को भगाता था। ऊपर दिखाता हूँ वहाँ काफी खुली जगह है। ये मेन हॉल है। इधर एक बेडरूम है वहाँ पर एक बेडरूम है। दोनों में एसी लगा हुआ है। अभी जाकर देख ले तुझे कौन सा रूम चाहिए। अगर बाद में तूने कहा इसमें भूत प्रेत है तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं चेक कर लूंगा। ठीक है। निकाल लिए तावीज। 6 बज गए है ना जाकर कर ले जा। ए, खाली रूम में कान लगा कर क्या सुन रहा है? तावीज डेंजर है। मुझे सब पता चल गया है। क्या? इस रूम के अंदर भगवान बैठे हैं। इस रूम में भूत बैठा है। आप लोग उसमें जाइए। मैं और तुम मैं एक चैन। कहाँ जा रही हो? मेरे पास हो ना। क्या कर रहे हो? दरवाजा खुला हुआ है। तो पास आ जाओ। देख लेंगे। पापा मम्मी नहीं आएंगे। एक मिनट रुको। अब क्यों रुकूं मैं? जल्दबाजी मत करो। पता नहीं क्या क्या लेकर आई है ये। और ये क्या है? आपको कभी डर ना लगे उसके लिए हनुमान जी का लॉकेट। हनुमान जी का लॉकेट? तो ये सब किस लिए है? अरे ये बेकार की चीजें हैं। गली गली में मिलती हैं ये सब चीजें। डुप्लीकेट है। ऐसा भी होता है क्या? हाँ। तो इसकी जरूरत नहीं है। ये हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों पर रखकर एक हफ्ते तक पूजा करके लाई गई पावरफुल लॉकेट है। देखो मैंने भी पहन रखी है। हाँ एक बात और, इसे पहन कर तुम मेरे पास नहीं आ सकते। क्या कहा? तुम्हारे पास नहीं आ सकता? तो मुझे ये नहीं चाहिए। आज एक दिन की तो बात है, समझे? एक ही दिन की बात है ना? सिर्फ आज के दिन की बात है ना? सह लूंगा एक दिन। अच्छा सुनो बहन, वो घर के पीछे जो बूढ़ी औरत है वो कौन है? पता नहीं वो कौन है, पर वो यहाँ 15 सालों से रह रही है। चाय। करम है। करम है। ये गणेश बहुत डरपोक है। पहले उसके रूम में ही आरती ले जाती हूँ। आहा बंद किए बिना तूने दीप जला दिया होगा। अरे रूम में फैन पहले से ही बंद है। अरे बाप रे, सुबह सुबह ये चालू हो गया। डैडी चलिए ना, चलकर देखते हैं क्या बात है। चलता हूँ। जाकर देखिए। माँ आखिर बताओ तो सही कि हुआ क्या है? तुम इतना डरी हुई क्यों? ए बेवकूफ, देखो पंखा चल रहा है वहाँ। पंखा चल रहा है? अरे अरे, जब मैंने देखा था तब बंद था। सच कह रही हूँ। पहले अपनी आंखें चेक करा तुम। ये सब लोग तो मुझे भी डरपोक बना देंगे। क्या हुआ? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कितना डरता हूँ। जानकर भी कह रही हो मेरे रूम में फैन चल रहा है, नहीं चल रहा है। क्यों माँ? देखो माँ, अगर मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो 2-3 चांटे मार लो। हाँ मैं सच कह रही हूँ। जब मैं भूल जाऊँगी तो क्या करेंगे? मम्मी जी आपने ठीक से नहीं देखा होगा। आप रेडी हो जाइए, मंदिर जाना है। मुझे डरा रही है। क्या हो गया? सब लोगों ने मिलकर मुझे अंधा बना दिया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गणेश, मंदिर जाने के लिए देर हो रही है, जल्दी आओ। लो मैं आ गया। माँ ये ड्रेस कैसी लग रही है? एकदम
हीरो जैसा लग रहा है तुम्हें, पर जब सोचती हूँ तो क्या सोचती हो? वो आरती अपने आप बुझ गई। देखो तुम फिर मुझे उसकी याद दिला रही हो। बच्चे को बार बार क्यों डरा रही हो? चलो बेटा मेरे साथ आओ। चलो बेटी चलो। यहाँ क्यों रुक गए? चलिए। जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना तो एक लड़की हमेशा मेरा पीछा करती है। वो लड़की मेरा वेट कर रही होगी, उसे मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जंप लगाकर मैं फटाक से बाहर चला जाता हूँ। क्या बोलती है? सुपर आइडिया ना? आइडिया बताना शुरू कर दिया इसने। चालू कर दिया ना अपना नाटक। ठीक है बाहर खड़े हैं हम, 1-2 बोलेंगे ये ओलंपिक के जैसे छलांग मार कर आ जाएगा। अच्छा चलिए। उसकी माँ ने कहा था मेरे बेटे को भूत भगाना आता है, यही सही समय है। उसे पकड़कर अंदर कर देती हूँ, मेरी बेटी के अंदर जो भूत है वो उसे भगा देगा। हाँ बोलो, 1-2 बोलो। 1-2-3-3। इस औरत ने मुझे अंदर लाकर क्यों बंद कर दिया? राम, अरे बाप रे, इस खाली कमरे में क्यों बंद कर दिया? क्या चक्कर है ये? मैं क्यों फालतू में डर रहा हूँ? इसके पेट में दर्द ही तो होता है। पेट की बीमारी बता सकती हो तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ लाकर क्यों बंद कर दिया? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम्हारे पेट में ही तो दर्द रहता है, तुम भूतों की तरह उल्टी होकर क्यों बैठी हो? मेरी तरफ घूम कर बैठो ना। सीधी बैठी हो? अरे बाप रे, ये तो सीधी बैठी है लेकिन ऐसे बाल खाओगी तो पेट में दर्द तो होगा ना। मेरे पेट में दर्द नहीं है, मेरे ऊपर भूत बैठा है। मैं सब समझ गया, बहुत अच्छी तरह समझ गया। मैं भूतों के नाम से डरता हूँ इसलिए सब मुझे डराते हैं। अब मैं किसी से नहीं डरता, बहुत हिम्मत है। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, चंद्रमुखी का भूत हूँ। झूठ बोलती है, चंद्रमुखी का भूत तमिल में बात करता है, हिंदी नहीं बोलता। मैं हिंदी वाली चंद्रमुखी हूँ। थोड़ी देर के बाद बोलेगी कि ज्योतिका भी मैं ही हूँ। अच्छा एक बात पूछता हूँ, बताओगी पहले जब भूत पकड़ता था तो कहते थे कि चुड़ैल ने पकड़ लिया, डायन ने पकड़ लिया, लेकिन अब किसी आदमी या औरत को भूत पकड़ता है तो कहता है चंद्रमुखी ने पकड़ लिया, चंद्रमुखी ने पकड़ लिया। छी तो कलक अलग 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 क्या कह रही है? लक अलग 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 होता है ना। शेखर को बुलाओ। ये कौन है? इस चंद्रमुखी का लवर है, उसके साथ मुझे क्लासिकल डांस करना है। क्यों, चंद्रमुखी ब्रेक डांस नहीं जानती क्या? कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही है तू। अब थोड़ी देर के बाद बोलोगी कि रंडी को बुला कर लाओ। हाँ उसको भी बुलाओ। लो 6 करोड़ जनता के बुलाने पर नहीं आए, तेरे बुलाने पर आएंगे वो पगली। पेट दर्द से बार बार चिल्लाती रहती है, परिवार के साथ मंदिर जा रहा हूँ, लौटते में टैबलेट ले आऊंगा, खाने से सब सही हो जाएगा, बाय। बिल्ली की तरह आ रही है, एक थप्पड़ दूंगा जोर से। तेरी बेटी दर्द से परेशान है, मुझे बोलती तो एक टैबलेट लाकर दे देता। मैं क्या कोई मना कर देता? अंदर लाकर क्यों बंद कर दिया? उसके पेट में दर्द है बेटा, उस पर भूत का साया है, उस पर भूत बैठा है। अरे आंटी ये तुम क्या कह रही हो? किसी भूत नीचे कर रहा है। तो मुझे अंदर लाकर क्यों बंद कर दिया? तुम्हारी माँ ने बोला था कि तुम भूत भगाने में माहिर हो। माँ ने बोला? जरूर बोला होगा। डैडी भूत दिखाते हैं और माँ कहती है मैं भूत भगाता हूँ। अच्छा परिवार है, पर ये बताओ तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? मुझे भी भूतों से डर लगता है पर लोगों के सामने मैं। रामा जानती हो डेली मुझे देखकर तुम नमस्ते करती थी तो मुझे कितना डर लगता था। तुम बस देखने में भारी हो, अंदर से फुस। मुझे जाने तो मैं यहाँ से जाता हूँ। कहाँ जाओ? मेरे पास आ जा। देख मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। तू पुलिस में कंप्लेंट करेगा? मैं कह रहा हूँ बात नहीं कर सकती। ये आपको क्या हो? तेरी कोई गलती नहीं है, तू साइड हो जा। इस घर को जिसने देखा था, मुझे जन्म देने वाला बाप प्रकाश कदम, सिर्फ तू यहाँ पर आ। ए, पत्नी के पीछे मत छिप, सीधा यहाँ। ये आपका बेटा बुला रहा है। ओए लड़के, क्या है ये सब? पानी झाड़ू। मैं अकेले घर देख कर आता हूँ, मैं अकेले घर देख कर आता हूँ। कह कह के मुझे मारने के लिए लड़की तैयार कर रखी है तुमने। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बकवास कर रहा हूँ? बकवास तो वो कर रही है, कभी गुणशेखर को बुलाने के लिए कहती है, कभी रजनी को। ये लोग पेट दर्द के डॉक्टर हैं क्या? उसके पेट में दर्द नहीं है, चंद्रमुखी का भूत है। अरे वो तो ज्योतिका है। ज्योतिका ही तो समझती है, वो अपने आप को मुझे झाड़ू से पटक पटक के मारा। अरे बाप रे, क्या बाप रे। शांत हो जाइए, उस लड़की को कोई भूत भूत नहीं चढ़ा। वो एक लड़के से प्यार करती है इसलिए ड्रामा कर रही है। ड्रामा कर रही है?
तुम्हें ये कैसे पता? मैंने उस लड़के से उसे बात करते हुए सुना। तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी अंकल के लड़के से ना करवा दे। अंकल का लड़का ही नहीं, और कोई दूसरा भी आ जाए वो लड़का भी मुझसे शादी नहीं कर सकता। क्या? क्योंकि मैं अपने ऊपर भूत होने का ड्रामा कर रही हूँ। उसको ड्रामा करने के लिए मेरा ही बेटा मिला था, उसको तो मैं। अब ये मेरे और उसके बीच में होने वाली एक जंग है, इसलिए तू अकेला जाएगा? माँ वो भूतनी नहीं है, ड्रामा कर रही है। फिर भी अकेला जाना? ये बात है, ठीक है अभी लड़ाई का वक्त नहीं है, तो कोई बात नहीं, मंदिर से वापस आकर करेंगे। मंदिर से वापस आकर देखना ही ठीक रहे। हाँ ठीक है। टायर क्या पंचर हुआ, मुझे भी पंचर कर दिया। कितनी देर कर रहा है, जल्दी गाड़ी ठीक कर। कर तो रहा हूँ, टायर बदली करने में टाइम लगता है। चलो वो पंचर टायर उठाकर पीछे डालो। चलो चलो, चलो जल्दी बैठो, बैठो बैठो भाई, हो गया। भगवान से क्या मांगा? मैं क्या मांग सकती हूँ, यही मांगा कि किसी भी रूम में आरती बुझे नहीं। फिर से चालू हो गई। डैडी आपने क्या मांगा? यही कि वो जला चेहरा फिर से सामने ना आए। कौन सा जला हुआ चेहरा? अरे वही जो फ्रिज के सामने उस रात दिखा था मुझे। डैडी! अरे जो सपने में दिखा था वही चेहरा बता रहा हूँ। सच कह रहे हो ना प्रकाश कदम, वो एक सपना ही था ना? हाँ हाँ सपना ही था। चलो चप्पल पहनो तुम। ए बजरंग बली भाई, हमारे घर में जो भाड़े पर गणेश रहता है ना, उसकी बीवी को देखो क्या मस्त लग रही है। डैडी वो एक सपना ही था ना? अरे कसम से वो सपना ही था। चलिए आप। ये ले, जानता मैं कौन हूँ? नहीं जानता। जिस घर में तू रहता है ना, उसका मालिक मेरा भैया है। अच्छा तो फिर? फिर कुछ नहीं, हमारे भैया बाहर गए हुए हैं, कल एक बहुत बड़ी मीटिंग है उसके लिए है, पढ़ ले। तेरी बीवी है क्या? ये नगमा जैसी दिखती है। भैया मैं तुमसे एक बात बताऊं? बता। तुम्हारी शक्ल देखकर पुराने विलेन प्रेम चोपड़ा की याद आती। देख इसे, मुझसे जोक कर रहा है। ए, मौका देखकर हाथ उठाना गलत बात है। ए, ए। रुक जाओ, कल भैया को बाहर से आ जाने दो, फिर इस गंदगी को साफ करेंगे। चलता हूँ छोटू। ठीक है भैया, मैं खुद एक गंदा कीड़ा हूँ, ये मुझसे गंदगी की बातें कर रहा है। प्रेम चोपड़ा कहीं का, पहले जाकर बाल सही कर। चलो जानू चले। आज तुम्हारी शादी को 6 महीने हो गए, तुम दोनों अकेले इस घर में रहो आज। हम दोनों बाहर जा रहे हैं, फिल्म देख करके रात के 1 बजे तक आ जाएंगे। रात के 1 बजे तक हम दोनों यहाँ अकेले रहे हैं? जाने कौन सी नई आदत है। ठीक है, जैसा आप कहें, जाइए जाइए। लगता है बेटे को बहुत प्यार आ रहा है। चलो जानू। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हैं, बुझाइए ना। कैसे चला, कैसे चला ये? मुझे क्या पता कैसे चला। मैं फिर फंस गया। मैं अब क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
चल छोड़ना, तुम्हें पकड़ते समय मेरा हाथ वहाँ चला गया होगा और कागज जल गया होगा, इसमें इतनी जोर से हंसने की क्या बात है? आप कितना डर गए थे ना? क्या डर गए कहकर मेरा मजाक उड़ा रही हो? इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो डरते रहते हैं। जो लोग रात को अपने घर में अकेले रहते हैं, कभी उन्हें जाकर देख तू कैसे घर की सारी लाइट जला कर रखते हैं, टीवी की आवाज तेज करके रखते हैं, तब जाकर नींद आती है। मैं सब कुछ बता देता हूँ, लोग शर्म के मारे नहीं बताते। क्यों, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? ओके ओके, आप जो कह रहे हैं वो सच है। अब मैं आपको एक खुशी की बात बताती हूँ। ऐसी कौन सी खुशी की बात है? आज ये लॉकेट उतार सकती है। जब मैं नहाकर फ्रेश होकर आऊंगी उसके बाद ये लॉकेट उतारना। उसके बाद ये लॉकेट उतारना है। अच्छा, मैं एक आइडिया बताऊँ क्या? बताइए। अब हम दोनों एक साथ बाथरूम में जाकर नहा सकते हैं। नहीं नहा सकते हैं। बैठिए। बैठिए वहाँ। ज्यादा ही नखरे दिखा रही है। उसके आने से पहले तैयार हो जाता हूँ। कल रात बेकार गई, आज रात तो डार्लिंग मैं तैयार हूँ। अभी एक घंटा लगेगा। ये कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं हो रहा है? अकेली नहा रही है कि पूरा परिवार नहा रहा है? उसके आने में अभी एक घंटा है, तब तक अच्छी नींद ले लेता हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रूम में और कोई भी है। भ्रम होगा, चुपचाप सो जा। टैन टैन। दिखाती हूँ। चल जा। ए! हाय। क्या बात है, ये कैसी ड्रेस पहन ली? इस ओकेजन के लिए स्पेशल। बाप रे, लॉकेट 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 उतार दूं? उतार दीजिए। बजरंगबली, मुझे शक्ति देना बजरंगबली, जल्दी उतारो जानू। क्या मस्त नजरों से देख रही है। पकड़ कर दिखाइए। अरे रुक तो जा मेरी जानू, कहाँ जा रही हो? फुलझड़ी, चक्री, रॉकेट, वो सब फोड़ने के बाद ही तुम मुझे हाथ लगा सकते हो। फुलझड़ी, चक्री, रॉकेट से भी एक अच्छा पटाखा है मेरे पास, अभी फोड़ता हूँ मेरी जानू। धमाल 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 धमाल। ये धमाल धमाल क्या है? ए धमाल, ए ड्रेस क्यों बदल ली? वेस्टर्न ड्रेस अच्छी लग रही थी। क्या वेस्टर्न ड्रेस? हाँ, वेस्टर्न। कोई सपना देख रहे थे क्या? सपना? वो सपना था। अरे रे, तो लॉकेट अभी तक नहीं बता रहा। जल्दी से उतारो। उतारता हूँ, उतारता हूँ। जल्दी उतारो जानू, टाइम बीत रहा है। बज रहा है। गणेश, इतनी रात को तो कहीं जाते नहीं हैं। मम्मी जी। क्या हुआ बेटी? मम्मी जी, हम तो फिल्म देखकर सही टाइम पर घर लौट आए थे, तुम लोग डिस्टर्ब ना हो इसलिए जाकर सो गए थे। वो बात नहीं है, वो रूम में नहीं है। रूम में नहीं है? 6 बजे हाँ? के बाद घर से बाहर नहीं जाता, अभी रात के 1 बज रहे हैं, अभी वो कहाँ जाएगा? अरे रूम में ही होगा कहीं, तुम जाकर अच्छी तरह से देखो वहाँ। मैंने देख लिया है पापा जी, वो रूम में नहीं है। वो रूम में ही होगा। ठीक है, देखते हैं। गणेश, गणेश, बेटी बाथरूम में देखा? देख लिया। ये अकेला तो कहीं नहीं जाता, पता नहीं कहाँ चला गया गणेश? होगा। गणेश, 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 कहाँ चला गया ये? गणेश, बेटा गणेश। ए वर्खा, मेरे बेटे को देखा क्या? नहीं देखा। इस तरफ तो नहीं आया वो? नहीं। मम्मी जी टेरेस पर चलकर देखते हैं। हाँ चलो चलकर देखते हैं। गणेश, गणेश, सुनो जी, ये इतनी रात को कहाँ चला गया होगा? गणेश, गणेश बेटा,
ये ऐसे कहीं नहीं जाता। हे, उधर देखो। गणेश बेटा, गणेश रुको, बेटा इतनी रात गए यहाँ पर आकर क्यों बैठे हो? चलो बेटा नीचे चलते हैं। रुको, गणेश पापा बुला रहे हैं ना बेटा, चलो। शाम 6 बजे के बाद तुझे घर से बाहर निकलने में डर लगता था और अब 1 बजे तू यहाँ आकर बैठा है, चल बेटा चल। आपको सबकी आवाजें सुनाई नहीं देती क्या? और ये काले कपड़े पहनकर यहाँ ऊपर आकर क्यों बैठे हैं? चलिए नीचे चलते हैं। रुको बेटी, रुको। बेटा चलो, चलो गणेश। गणेश बेटा, गणेश चलो बेटा, चलो चलो बेटा, नीचे चलो गणेश, बेटा नीचे चलो बेटा गणेश। क्या हो गया मेरे बेटे को? मम्मी जी अब क्या करें? अब क्या करें? प्रिया, तुम्हारी मम्मी ने तुम दोनों को हनुमान जी के लॉकेट दिए थे, वो लॉकेट कहाँ है? कहीं रख दिए हैं क्या? हाँ मम्मी जी। अरे इस वक्त कहाँ रखे हैं? नीचे रखा है। जाओ जाकर वो लेकर आओ। लॉकेट लाने की बात करती है तू? कहाँ चला गया और क्यों गया? हे भगवान, पर उन्हें ढूंढना तो होगा ना पापा जी। रात भर तो हम उसे ही ढूंढते रहे हैं, कहाँ गया होगा? देखो गणेश आ गया। गणेश रात भर तू कहाँ था बेटा? गणेश पापा पूछ रहे हैं ना, जवाब दो। शमशान गया था। ठीक है, जाओ तू अंदर जा। शास्त्री पूछ रहा है ना, बता कौन है तू? ए, कौन है तू?
मुंह बंद रखो। पूजा बंद नहीं होगी। तुम लोग यहाँ भूतों की तरह क्यों बैठे हो? भूत भगा रहे हैं। भूत भगा रहे हो? किसके ऊपर से? तुम्हारे ऊपर से। मेरे ऊपर भूत बैठा है? तो ठीक है। जानना चाहते हो कौन हूं मैं? मुनि, मुनि है नाम मेरा। दोनों राजेश मोहन यहाँ आओ। मुनि तू भी जरा, मेरी बेटी पास हो गई है, मेरी बेटी पास हो गई है, मेरी बेटी पास हो गई है। सुनो, 12वीं क्लास में फर्स्ट रैंक पे पास हुई है। लो भाई, मेरी बेटी फेल हो गई। मेरी बेटी फेल हो गई। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? लड्डू खाओ। मेरी बेटी फेल हो गई। मेरी बेटी फेल हो गई। बेटा, सब लोग पास होने की मिठाई खिलाते हैं, लेकिन तू तो फेल होने की मिठाई खिला रहा है। इसके पीछे भी एक कहानी है। अगर ये पास हो जाती सही। तो आगे पढ़ने के लिए कॉलेज जाती। हाँ, हाँ, सही। इसके कॉलेज से घर आने तक मेरा दिल धक 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 करता रहता। देखो, तुम तो जानती ही हो कि कॉलेज में सब बिगड़ जाते हैं। सच है कि नहीं? अगर मैं इसके जगह इसकी शादी कर दूं, तो वो अपने पति और बच्चों के साथ खुश रहेगी। इससे मेरा मन भी खुश रहेगा, मैं भी चैन से जी सकता हूँ। सही बोला ना अम्मा? और देखो अम्मा, सिर्फ इतना ही नहीं, आज इस देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं वही गलत हैं। सही कहा ना मैंने? सही कहा। कोई लड़का देखकर तो अपनी बेटी की शादी कर दे, मेरा प्यारा बेटा। देखा, मेरी बात सुनकर उसे जलन हो गई। मेरी बेटी फेल हो गई। मुझे दे दे। एग्जाम में तुमने ही मुझे बताया था, फिर तुम कैसे फेल हो गई? मेरे पापा का कोई भी नहीं है। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मर गई। इतने दिनों से मेरे पापा सिर्फ मेरे लिए जी रहे हैं। माँ बाप के मर जाने के बाद उनकी इच्छाओं को पूरा करने का कोई मतलब नहीं, उनके रहते ही करना चाहिए। उनकी इच्छा है कि जल्दी ही मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चों को गोद में खिलाना चाहते हैं। उनकी इन्हीं इच्छाओं के लिए मैंने ऐसा किया। पापा को बहुत मानती है। काका, उस एरिया में हमारे पोस्टर नहीं लग पा रहे हैं, क्यों भाई, क्या हो गया? मुनि ने सबके हाथ पैर तोड़ दिए हैं भैया। मुनि, 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 कल फोन रख। कहाँ है मुनि? आया नहीं भैया। क्यों नहीं आया?
पिछले इलेक्शन में उसने जीत दिलवाई थी और उसके एरिया में एक भी काम नहीं हुआ, इसीलिए वो नहीं आ रहा है। अगर वो नहीं आया तो उसके एरिया वाले हमें एक भी वोट नहीं डालेंगे। इस बार के इलेक्शन में मेरा जीतना जरूरी है। भैया उसे उठाकर यहाँ ले आओ। क्या कौन? तू जाएगा, उन्हीं को उठाकर यहाँ लाएगा। चुपचाप बैठ। तुम 100 लोग भी उसके सामने खड़े होंगे तो तुम सबको मार डालेगा वो। इधर आ मेरे साथ। मेरी बात सुन, उसे आदमी भेजकर जबरदस्ती नहीं ला सकते, उसे तो प्यार से लाना होगा। तू एक काम कर, सीधे मुनि के पास जाकर बोल, मैंने भैया को बोला कि तुम नहीं आओगे। ये बात सुनकर उनके सीने में दर्द होने लगा। इतना सुनते ही तुम हिलाता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उसे सिर्फ प्यार से ही मार सकते हैं। वहां जाकर क्या बोलेगा? सीने में दर्द है। जा। पापा आज आपने बिल्कुल सही किया। उस शिवा के आदमी के बुलाने पर भी आप नहीं गए, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। लीजिए छाछ पीजिए। भाई चलकर शिवा भैया को देख लो। पापा ने जब आने के लिए मना कर दिया है तो बार बार आकर क्यों बुला रहे तुम हो? तुम शांत रहो, तुमको इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। छोटे मैंने बोल दिया ना मैं नहीं आऊंगा। यही बात तो आदमी ने जाकर उनसे कही थी, सुनकर उनके सीने में दर्द उठ गया। भैया किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, बस लेटे हुए मुनि मुनि रट रहे हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आगे आपकी मर्जी भाई। रुको छोटे, मैं चलता हूं। पापा रहने दीजिए ना। वो मेरा दोस्त है बेटी, सीने के दर्द से तड़प रहा होगा। तुम बात क्यों नहीं समझती हो? मुनि भाई, भैया ऊपर लेटे हुए। मालिक क्या बात है, आज बहुत अच्छी लग रही हो। मालिक ए, तुम जाकर दरवाजा खोलो। मालिक मालिक आओ। मुनि तुम नहीं आओगे जानकर ये तुम्हारी फोटो ही देखे जा रहे हैं। ये क्या है मालिक? तो आ गया मुनि, मुझे लगा था तेरी फोटो देखते देखते ही मर जाऊंगा। ऐसी बातें मत कीजिए मालिक। जब हम दोनों छोटे हुआ करते थे तब उस झोपड़पट्टी में कितने संतोष से रहते थे। जब से ये एमएलए का पद मुझे मिला है हम दोनों अलग हो गए मुनि। मालिक रोइए मत। जब ऊपर से ही पैसा नहीं आया है तो मैं क्या कर सकता हूँ मुनि? ऐसा मत बोलिए मालिक। मुझे एमएलए की कुर्सी नहीं चाहिए। ऐसा मत बोलिए, चुनाव हार जाओ यही अच्छा है। मालिक जब तक ये मुनि है तब तक आप एमएलए रहेंगे, मैं आपको जिताऊंगा। मैं जानता हूँ मालिक कि ऊपर से ही पैसा नहीं आया है, ये जनता विश्वास नहीं करती है। आप छोड़िए, जाने दीजिए, जनता से वोट दिलाने का काम आप मुझ पर छोड़िए। इस बार भी आप ही जीतेंगे, आप ही एमएलए होंगे, देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा मालिक, मैं चलता हूँ। बेवकूफ कहीं का। चलो छोड़े चलते हैं, हमारे मालिक ही जीतेंगे। चलो जल्दी खाना लगाओ, भूख लगी है। 1 बजे तक खा लेता हूँ, उसके लिए नाटक करने में 2.5 घंटे लेट हो गए। डालो डालो। ये क्या है? चिकन। उठाओ उसे, ले जाकर डस्टबिन में डाल दो। फेंकने की जरूरत नहीं है, उसे मालकिन के हाथ में दो। बाहर मुनि काम कर रहा है, उससे बोलो कि मैंने मालिक को खाने के लिए दिया था लेकिन मालिक ने मना कर दिया और कहा कि ले जाकर इसे मुनि को दे दो। ये चिकन उसके हाथ में पकड़ा देना। और हाँ, उसे काले कपड़े बहुत पसंद है, वो मैंने गठरी में रखे हैं, वो भी उसे दे दो, वो मेरे 10-20 पोस्टर ज्यादा लगाएगा। मुनि नमस्ते। मालकिन, मालकिन। तुम्हें काले कपड़े पसंद है ना, मालिक ने ये दिए है। मैं उनके लिए चिकन लेकर गई थी पर उन्होंने कहा पहले चिकन मुनि को ले जाकर के खिलाओ। खाओ मुनि, तुम्हें बहुत मानते हैं वो। ए, इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो, मेरे मालिक ने भिजवाया है, चिकन का पीस है। ये कपड़े, ये भी उन्होंने लिए हैं। तुमने चिकन जेब में क्यों डाल लिया? मेरे मालिक ने मुझे दिया। तुम सबने तो देखा, अब सबको दिखाना होगा ना। मेरी बेटी को यकीन दिलाना होगा। चलो। मुनि दोबारा शिवा से जाकर मिल गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक से पता किया क्या? पता कर लिया है नेताजी। वो कब मिला उससे? आज शहर में जाकर पोस्टर भी लगा रहा है। अब तो हार गए, जरूर हार गए। ये क्या कह रहे हो मुनि? शिव प्रसाद बहुत भले आदमी है, हमारे गाँव के है, वो हमारे गाँव के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब ऊपर से ही पैसा नहीं आया तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं? मुनि
अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन हम उसका विश्वास नहीं कर सकते। उसने तुम्हें अच्छी तरह से समझा कर भेजा है। पिछली बार जब हमने उसे जिताया था तो उसने कहा था कि रोड बना कर दूंगा, मकान बना कर दूंगा, पानी की व्यवस्था करूंगा, ये सब कहा था, पर इसमें से कुछ भी नहीं किया। और जब पिछली बार बाढ़ आई थी कितने मकान ढह गए थे, वो देखने भी नहीं आया। वो तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए इसका उन्हें अफसोस है। इस बार हम सब मिलकर उन्हें जिताते हैं, वो जरूर हमारे लिए कुछ करेंगे। ठीक है, तू इतने विश्वास से बोल रहा है, अगर इस बार भी जीतने के बाद उसे कुछ भी नहीं किया तो? सब लोग मिलकर मंदिर के पास आ जाओ, वहीं पर बताता हूं। मैं मुनि इस अग्नि की कसम खाकर कहता हूं, हम सब मिलकर इस बार शिव प्रसाद जी को जिताएंगे। जीतने के बाद भी अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं और मेरी बेटी शहर छोड़ देंगे। ये देवता के सामने दिया गया मेरा वचन है। तू शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इस बार इलेक्शन में जीतने के बाद मैंने जो भी कहा है वो करके दिखाऊंगा, भले ही ऊपर से पैसा आए ना आए। मैं अपनी जमीन जायदाद बेचकर अपनी जनता के लिए वादा पूरा करके दिखाऊंगा, तेरी आंखों के सामने करके दिखाऊंगा। ये सिर्फ तेरा ही एरिया नहीं है, मैं भी इसी एरिया में पलकर बड़ा हुआ हूँ। मैं तुम सबको एक बात बता देता हूँ, इस चुनाव में भी मैं ही जीतूंगा और तुम सब मिलकर ही मुझे जिताओगे। अगर मैं इस बार जीत गया तो मुनि एमएलए बनेगा। क्या कहते हो तुम लोग? अब कहने के लिए बचा ही क्या है, इलेक्शन की तैयारी करो। चलो, 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 चलो। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी की तरफ से खड़े हुए प्रत्याशी श्री राजशेखर ने समाज रक्षा पार्टी के उम्मीदवार को 15,000 वोटों से पराजित किया है। सामान्य दल पार्टी के प्रत्याशी श्री शिवा प्रसाद ने अपने विपक्ष में खड़े हुए जननायक पार्टी के श्री मदन लाल को 75,000 वोटों से हराया। इस बार राज्य में हुए इलेक्शन में जीतने वाले सभी प्रत्याशियों में से शिवा प्रसाद जी ने सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी होने का गौरव हमारे नेताजी जीत गए। सब सुनो मुनि, नेताजी जीत गए हैं, इस बार वो वादा पूरा करेंगे कि नहीं पूछ कर आओ। बिल्कुल करेंगे, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम सब चलोगे, सब मिलकर चलो। चलो हम सब ने कितनी मेहनत की ये बात नेताजी जानते हैं, वो हमें नहीं भूल सकते। ए, कौन हो तुम? अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? नेताजी से बोलिए मुनि आया है। अंदर पार्टी चल रही है, तुम बाहर निकलो यहाँ से। नहीं 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 नहीं, इन्हें क्या पता कि मैं कौन हूँ, नेताजी को आने दो। अरे रुको 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 रुको, ये हमारे मुनि भाई हैं, भैया के बहुत क्लोज हैं, मैं भैया को बता कर आता हूँ। भैया मुनि पूरे बस्ती वाले को लेकर आया है। वो यहाँ किस लिए आया है? ठीक है चल चलते हैं। शिव प्रसाद जी। नमस्ते मालिक। हम जीत गए मालिक। नमस्ते मालिक। मालिक ये सब क्या है मालिक? रहने दे मुनि, तूने ही तो मुझे जीत दिलाई है। मालिक आपने कहा था कि आप जीत जाएंगे तो वादा पूरा करेंगे। इनको बताइए मालिक, अब आप ही इनको बताइए। क्या मुनि, तुम खुद ही बोल दो। वो मालिक मकान बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, पानी के नल लगवाएंगे, ये सब आपने कहा था ना। ये लोग मेरी इस बात का विश्वास नहीं कर रहे मालिक, आप बताइए इनको। आप बताइए मालिक। देखो मुनि, तुम्हारे लिए इस जनता को सब कुछ करके दूंगा नेताजी। कल महाशिवरात्रि है, कल का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। रात को जब पूजा समाप्त हो जाएगी उसके बाद तुम मेरे घर पर आ जाना। तुमने जितना पैसा मांगा था वो सब तुम्हें दे दूंगा, और मैंने जो जनता से कहा है वो सब तुम ही अपने हाथों से करके दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो मेरी बेटी मेरे लिए लॉकेट लेकर आई है। जब स्कूल जाती थी तो मैं इसे जो पैसे देता था उसमें से थोड़ा थोड़ा जमा करके मैं पापा के लिए बड़े मन से लेकर आई है। देखो जरा, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बेटी है, दोनों वो हमेशा मेरे दिल के पास ही रहेंगी। अच्छा है। तुमने अपनी बेटी के लिए जो लड़के देखे हैं सब बहुत पैसे वाले हैं, शादी के लिए बहुत पैसे की जरूरत होगी। चाहे कितने भी पैसे की जरूरत हो मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। पर कैसे करेगा? वो मेरे ऊपर छोड़ दे, तू पहले फोटो दे। मेरी शादी की बात में करना, पहले खाना खा लीजिए, आप भी खा लीजिए। आज मैं जी भर के खाऊंगा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मालिक पैसे जो देने वाले हैं। ए, वो शिव प्रसाद जीत गया, उसे जीतने दो, उसके ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, पर उसे जिताने वाला वो मुनि, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, उसे मारना होगा। नमस्कार, तुझे हराने के लिए बहुत धन्यवाद। वैसे मेरे लोग तुझे बहुत आसानी से मार सकते थे, लेकिन तुझे मारा किसने ये तुझे पता नहीं चलता। मैंने ही तुझे मारा है ये तुझे अच्छी तरह से पता चलना चाहिए।
चलता हूँ। तूने मेरे नेताजी को हाथ लगाया? हाँ लगा, हाँ लगा, लगा हाँ, लगा। मेरे नेताजी जीत गए तो तुझे जलन हो रही है ना? आओ, आओ सामने आओ, आओ कमीनों आओ। पापा! ए, इसे छोड़कर उसकी बेटी का खत्म करो। बेटी जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ चली जाओ। बेटी जाओ, बेटी जाओ, बेटी। मेरे पापा को कुछ मत करो, पापा, 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 मेरे पापा को कुछ मत करो, छोड़ दो इन्हें, पापा। आप आगे मालिक, मालिक, मालिक आप आगे, मालिक, मालिक, मालिक आप आगे, मालिक, आप मेरी बेटी को संभालिए, मालिक, मेरी बेटी को संभालिए, मैं देखता हूँ। ओए, आप सामने आओ। दूर जा, मैं देखता हूँ। आ जाओ, मेरे सामने आओ, ना मर के औरा दो। अकेले आदमी पर अपनी मर्दानगी दिखाते हो, मुझे दिखाओ अपनी मर्दानगी। चलो सब यहाँ। भाग रहे हो ना मर दो, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, एक देख को काट के रख दूंगा। सब नामर्द थे, डर के मारे भाग गए, देखा? ए, खड़े खड़े देख क्या रहा है, वो पैसे मुनि के हाथ में दे। ये लो भाई, आपने जो पैसे मांगे थे वही हैं। अरे पकड़ लो भाई, पकड़ लो। ऐसे क्यों देख रहा है मुनि? तूने जितने पैसे मांगे थे वो सब इसमें हैं। अपनी जनता के लिए तुझे जो जो अच्छे काम करने हैं वो सब कर डाल। तू हमेशा खुश रह, बस यही मुझे चाहिए, क्योंकि इस चुनाव में मुझे जिताने वाला तू ही है। मैंने क्या किया है मालिक, आप तो खुद ही जीते हैं। तुम्हारी पावर ज्यादा हो गई है, तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा हो गई है। अगले इलेक्शन में मेरी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम चुप भी रहोगे तो जनता तुम्हें कुर्सी पर बिठा कर तुम्हें जरूर MLA बना देगी। खुश रहो, जहाँ भी रहो खुश रहो, तुम तो असली शेर हो, मेरे असली शेर हो। पैसे दूंगा नाली के कीड़े। ए, जल्दी आ, लगता है पुलिस यहाँ पर आ रही है। वो मर गई है, उसे ले जाकर दूर समुद्र की गहराई में फेंक दो। सुन, पर ये अभी नहीं मरा है, इसके शरीर में अभी जान बाकी है। ये सांप की तरह है, मारने से नहीं मरेगा, इसे ऐसे ही उठा कर ले जा।
हमारे गेस्ट हाउस में ले जाकर इसे जिंदा जला दे। जली हुई उसकी राख को तालाब में या किसी नाले में फेंक देना। हमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित भी हो जाएगा। ले जा इसे। ये क्या कह रहे हो? कल रात को मुनि मुझसे पैसे ले गया था। मुझे लगा आज मकान बनाने के लिए भूमि पूजन होगा, ये समझकर मैं भी शामिल होने के लिए यहाँ आया हूँ। अब तुम लोग बता रहे हो कि कल रात से मुनि भी गायब है और उसकी बेटी भी गायब है। ऐसे तो इन लोगों के लिए दिए थे ना, पर उसने क्या बोला? बेटी की शादी के लिए मुझे पैसे चाहिए, इसीलिए वो पैसे और बेटी दोनों लेकर भाग गया। आपकी इस जनता जनार्दन से ज्यादा वो अपनी बेटी को प्यार करता था। बेटी की शादी बड़े घर में करवाना चाहता था, यही असली बात है। चाहे कितने भी पैसे की जरूरत, मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। अगले इलेक्शन में जीतने के बाद आप सबों के लिए कुछ कर दूंगा। चलो आओ। ये सब हुआ था मेरे साथ। मेरे साथ जो हुआ वो सही है? जवाब दो। तुम्हारे साथ वाकई बहुत अन्याय हुआ, पर मुझे अपना धर्म भी तो निभाना है। इसका शरीर छोड़कर जा। नहीं जा सकता। मैंने अपने बस्ती के लोगों की जो भलाई करने की सोची थी, अब वो सब मैं शिवा प्रसाद के पैसों से करवाऊंगा। उसके बाद आने वाली महाशिवरात्रि पर उस जालिम शिवा प्रसाद और उसके भाई को खत्म कर दूंगा। तभी जाकर मुझे शांति मिलेगी। तब तक मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं जाऊंगा। जाना होगा। नहीं जाऊंगा। जाना होगा। नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा। जा। जा। मेरा दिमाग खराब हो गया है। बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, उसकी बातें सुनकर मुझे उस पर तरस आ गया था। इंसान होने के नाते जिंदगी में एक बार किसी न किसी की मदद करनी चाहिए, और मैंने आज तक कभी किसी की मदद नहीं की है। इतने दिन तक ये मेरे शरीर में रहे और अब महाशिवरात्रि तक मेरे शरीर में रहकर उनके मन की जो इच्छा है उसे पूरी करने दीजिए। तू जैसा सोच रहा है ये काम उतना आसान नहीं है। तेरी जान को भी खतरा है। मेरी जान को कोई भी खतरा नहीं है। अच्छा काम करने वालों का भगवान हमेशा साथ देता है। बाबा आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। घर वालों से कह देना कि भूत मुझे छोड़कर चला गया है और महाशिवरात्रि तक मुझे कोई डिस्टर्ब न करे, ये भी बोल देना बाबा। इस दुनिया में तो एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करता, और तू एक आत्मा की मदद करने की सोच रहा है। hey, चलो सब लोग। तूने जो सोचा वो होगा। अंदर क्या हो रहा होगा जी? बाबा आपके बेटे के अंदर जो भूत था वो चला गया। हाँ? आने वाली महाशिवरात्रि तक उसे बिल्कुल परेशान मत करना, उसकी हालत पर छोड़ देना। बाबा हम लोग इसी घर में रहें या फिर किसी दूसरे घर में चले जाएं, बताइए। हाँ, बाबा इस घर में आने के बाद ही ये सब कुछ शुरू हुआ है। महाशिवरात्रि तक आप कहीं भी नहीं जाएंगे, आपका कल्याण होगा। जैसा आप कहें बाबा। मुझे अकेला छोड़कर चले गए मुनि भैया। भैया मुनि भैया, आपकी कहानी सुनकर मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार तो हो गया, पर वो बाबा बोल कर गया कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। अब मैं क्या करूं भैया? भाई जो मेरा बचपन का दोस्त था उसी ने मेरा खून किया। तू कौन है मैं नहीं जानता, मैं कौन हूँ तू नहीं जानता, इसके बावजूद तू मेरी मदद कर रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा, कुछ भी हो तो मुझे बचा देना। आपको बताऊं, लेकिन कहां आकर कोई इंसान होते तो एड्रेस ढूंढकर मैं आपको बता सकता था, पर आपको कहां ढूंढूंगा। और एक बात और, मैं जब बोलूं तो आ जाना और जब मैं कहूं तो चले जाना, क्योंकि मेरी भी एक फैमिली है, अभी नई नई शादी हुई है ना। भैया मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, 6 बजे के बाद घर से बाहर भी नहीं जाता। मेरे शरीर में संभल कर आना भैया, देख कर भैया। अब मुनि का समय शुरू हो गया। आ रहा है, आ रहा है। आ गया। गणेश बेटा, क्या हुआ? अब ऐसे क्यों देख रहा है मुझे?
मेरे अंदर से भूत चला गया। सुनो जी, भूत चला गया है। चला गया बेटा, पापा भी यही बता रहे थे। ठीक है, मैं प्रिया के साथ घूम कर आता हूँ। जाओ बेटी, जाओ, तुम भी जाओ। एक मिनट रुकना, शांत रहो, चिल्लाओ मत। क्यों बे, आज तो बड़ी हिम्मत से आकर खड़ा हो गया। पहले तो तू डर के मारे भागता था। मैं भूतनी हूँ, मेरे पास मत आ। उस दिन झाड़ू से मार खाई थी, भूल गया? मैं चंद्रमुखी हूँ। तू जाकर उन शेखर और रजनी को यहाँ लेकर आ, जल्दी जा। मुझे इस तरह से तू क्यों देख रहे है? रजनी को देखना चाहती है? हाँ चाहती हूँ। रजनी को देखना चाहती है? तेरी बेटी का भूत भगा दिया। भैया, मुनि भैया, मैं और प्रिया बाहर जा रहे हैं, चाहिए भैया मेरे बुलाने पर आइएगा। ठीक है चाचा। क्या क्या करते रहते हैं, चलिए चलो। क्यों जी, इस घर में ये सब क्या हो रहा है? इसमें से भूत भगाने के लिए बाबा को बुलाया, उन्होंने कहा कि भूत चला गया, फिर ये ऐसी हरकतें क्यों? इस घर में क्या हो रहा है, तुझे कुछ पता भी है? जी क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता है। अच्छा अच्छा, हटो जी। चाचा, सलाम चाचा, आइए आइए। चाचा, ये क्या नया रिश्ता बना रहा है? क्या है क्या है क्या है, है? अरे चाचा, वाइट कपड़ों वाला जो तुम्हारा भाई था वो कहाँ है? क्या चाचा? भाई अपने घर पर है, गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए मुझे भेजा है। अच्छा, वाइफ के साथ बीच सड़क पर बड़ी हिम्मत से खड़ा है, क्या चक्कर है? ऐसा कुछ नहीं है चाचा, है? आपका भाई और ये भाई साहब मेरी बीवी की कमर छूने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, हिम्मत है तो आज छूकर दिखाएं। इसे देखो। ये बता, तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? हिम्मत है मेरी। तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ। दस्तक गिनो, कहा ना आँख बंद करके दस्तक गिनो। रहने दीजिए, लड़ाई बड़ा रहने दीजिए। जो है वो करो। मनी भैया, सबको कागज की तरह फाड़ दिया। जब शर्ट पहनने वालों की ये हाल है तो हम तो कच्चा पहनते हैं। यहाँ खड़े मत रहो चचा, गायब हो जाओ।
सुनिए जी, वो सब गुंडे कहाँ चले गए? कह रहे थे खाना खाने जा रहे हैं। खाना खाने गए हैं, पर कहाँ गए हैं? अब कहाँ गए ये मुझे क्या पता। जानू हमें गले मिले हुए बहुत देर हो गई। आओ ना। मेरे पास इतने आदमी होने के बावजूद मैं तुझे यहाँ क्यों रख रहा हूँ जानता है? मेरी बेटी अमेरिका से पढ़कर आई है, उसका ध्यान रखना ही तेरा काम है। मेरी बेटी मेरी जान है, अगर उसे कभी कुछ हुआ तो मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मालिक मालिक मालिक, गौतम भैया ने गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए भेजा था। हमारे घर में जो रहता है बैंक मैनेजर का बेटा गणेश, हमारे लड़कों को क्या उठा उठा कर फेंका है, क्या मारा है, किस लिए मारा है कुछ समझ नहीं आ रहा मालिक। तूने उसे मेरा नाम बताया? आपका नाम बताने के बाद उसका गुस्सा और बढ़ गया था। हैरा गहरा मारता है तो 5 कदम 6 कदम पर जाकर गिरते हैं। इसकी मार खा कर 1 बार नहीं 3-4 बार हवा में घूमते हैं, भूतों जैसा मार रहा था। भूतों जैसा उठा कर यहाँ ले। इसकी मार से हवा में घूम घूम कर गिरते हैं ना, जानता है इसे अगर एक फूंक भी मारा ना तो तू जाकर गिरेगा। अब तेरा काम आ गया है, फूंक मारी से। जिम वाला पहलवान कितनी ही बहादुरी से जा रहा है, देखना ये उसे जाकर फूंक मारेगा, लेकिन उसके शर्ट तक नहीं हिलने वाली। और वो इसके जवाब में सिर्फ 1 बार मारेगा। चिकनगुनिया और खून की बीमारी एक साथ जैसे हो गई हो, मुंह से खून निकलेगा। और मुर्गी जिस तरह से एक जगह पर गिर जाती है ना, उसी तरह से ये गिरने वाला है। इसे देख कर हमारे मालिक डायनोसोर की तरह मुँह फाड़े रह जाएंगे। देखते जाओ ये सब होगा अब। क्या रे मारेगा? आजा मार मुझे। क्या कहा था कि 1 मार में गिर जाएगा? देख कितनी हिम्मत से खड़ा है वहाँ। कहाँ हिम्मत से खड़ा है, गिर गया देखो। डायनोसोर की तरह मुंह फाड़ रहे। अरे ये क्या, ये तो हिल भी नहीं रहा है। ये कौन सी मार है? 1 मार में ही इसे नीचे गिरा दिया। यही बात तो मैं कब से बोल रहा था। सही बोल रहा था। इस तरह की मार मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। क्यों बे, तू कोई स्पेशल मार्शल आर्ट जानता है क्या? ये किस तरह की मार है? इतनी सी मार से तू डर गया? ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो और बाकी है। तुझे दिखाऊं अपना मैजिक? देखो इसे, इस लड़के में तो कलाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। आज से मेरी बेटी का बॉडीगार्ड ये नहीं रहेगा, सब कुछ तू ही रहेगा। तुझे कितनी पगार चाहिए बोल। बहुत सारी, और पुराना हिसाब भी तो बाकी है। घर के किराए के बारे में बोल रहा है ना, चल जा, आज से तुझे किराया देने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए फ्री। अब तू मेरे साथ रह, देख मैं तुझे कितना ऊपर पहुँचाता हूँ। भरोसा करने वाले के सीने पर वार करके उसे ऊपर पहुंचाना ही तेरा काम है ना? क्या? तू प्यार से सीने पे वार करता है ना? अच्छा वो सब बातें छोड़, तुझे पगार कितनी चाहिए ये बता, मैं दूंगा। तुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे जितना भी चाहिए महाशिवरात्रि के दिन खुद ही ले लूंगा। ओके ओके, तुझे जब जरूरत होगी मुझे बता देना। ए, आज से गणेश जैसा कहेगा वैसा ही करना, सब लोग गणेश के पीछे पीछे जाओ। भैया
क्या है ये? उसने एक को क्या मार दिया? हम सबको उसके पीछे जाना पड़ेगा। मैं उसके पीछे नहीं जाने वाला। तू आएगा? आ! एक नहीं, 100 लोग भी आ जाए तो यहीं पर खड़े खड़े मारूंगा। अगर ज्यादा बोलेगा तो अगला मरने वाला तू होगा। आ जा। भाई 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 रुक जाओ, गणेश भाई रुक जाओ भाई, मैं समझाता हूँ। बलवान आदमी को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, तभी एक अच्छा राजनेता बन सकते हो। भाई राजनीति में हमेशा इस तरह के आदमी की जरूरत पड़ती है, हर चीज का एक हिसाब होता है। मैं बोल रहा हूँ ना, जाओ उसके पीछे जाओ। कौन सा हिसाब है? आज की रात तुझे सब दिखा दूंगा, चल। भैया हमें गणेश के पीछे पीछे चलने को बोल रहा है, कल क्या है छोकरे के पीछे, टपका दूंगा उसे। चला। गाड़ी क्यों रोक दी? रोकता नहीं तो मर जाता। वो गणेश बीच रोड में तलवार लिए बैठा है, जाकर तुम ही पूछो उससे। गणेश तलवार लेकर बैठा है? जा पूछ करा क्या बात है। यार पता नहीं किस मूड में है, उसके हाथ में तलवार भी है, अब मैं क्या करूं? अरे खड़ा हो गया, कब खड़ा होता है कब बैठता है कुछ पता ही नहीं चलता। गणेश गणेश लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। अभी तो तू गाना गाकर किस तरह से डांस कर रहा था, फिर तुझे क्या हो गया? धन्यवाद, हाथ में तलवार होते हुए भी तुमने हाथ से मारा, उसके लिए धन्यवाद। भैया आ रहे हैं, बात कर लो, मैं कोने में खड़ा होकर तमाशा देता हूँ। तू मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। भैया ने तुझे काम दे रखा हुआ इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, तू इस समय यहाँ क्या कर रहा है? इस जगह को पहचानता है? इस जगह को क्यों पहचानूंगा? इस जगह को याद कर। याद है? नहीं होगा, तुझे याद दिलाने के लिए ही आया हूँ। तूने और तेरे भाई ने मिलकर मुनि और उसकी बेटी को मारा था, याद आ गया तुझे? तू कैसे जानता है? बताऊं कैसे जानता हूँ? जान से मार कर रहेगा, ये बात पहले शिव प्रसाद जी को बतानी चाहिए। यहाँ से सटक ले बेटा। मालिक 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 अपने छोटे भाई को जाकर बचाइए। क्या हो गया उसे? वही जिससे आपने काम पर रखा है, गणेश आपके भाई को वहाँ पे मार रहा है। गणेश? हाँ। मेरे भाई को? हाँ। मार रहा है। हाँ। इधर आ। इतनी देर तक मुझसे बात करने के बाद अभी अभी बाथरूम में गया है। बाथरूम? जोक कर रहे हैं जोक?
मालिक आपने भी उससे कोई जादू वादू सीख लिया है क्या? कहाँ है जरा बुलाइए उसे। अरे गणेश, गणेश से कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? वहाँ पर आपके भाई का जूस जो निकाल रहा है। मुझे बुलाया? ये आवाज कहाँ से आई? मेरे साथ आप कोई मजाक वजाक तो नहीं कर रहे मालिक? लगा दी वाट। देख लिया ये यहीं पर है ना। ये बड़ा कहीं का दारू पीकर उल्टी सीधी बातें कर रहा है। देख तो वो कितनी शांति से आकर यहाँ खड़ा हुआ है, उसके ऊपर तू गलत इल्जाम लगा रहा है। यहाँ पर ये कितनी शांति से खड़ा है, वहाँ पर क्या तूफान मचाया था मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कोई साधारण इंसान नहीं है, आदमी के वेश में कोई प्रेतात्मा है। हाँ पकड़ा गया। मालिक उसके सीने पर देखो खून लगा है, पूछो जरा उससे पूछो। हाँ, कहाँ लगा है रे खून? तू पागल तो नहीं हो गया? क्या मैं पागल हूँ? आपके पीछे मुड़ के देखने तक उसने वो खून ऐसे पिया जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पी रहा हो। लगता है बहुत बड़ा खून का प्यासा है। ए, ये तुझे कुछ ज्यादा ओवर नहीं लग रहा? मुझे सर हिला कर दिखा रहा है। मालिक मेरी बातों का आपको विश्वास नहीं है ना? आपके साथ होगा तब पता चलेगा। आपके भाई का क्या हुआ आप जाकर खुद देख लीजिए। मेरे भाई को कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे भाई के ऊपर एक भी इंसान हाथ नहीं लगा सकता। क्या कहा? एक इंसान भी हाथ नहीं लगा सकता? ये अपने पैरों से उसकी ढंग से मालिश करके आया है। ठीक है, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारी कार भी सड़क पर खड़ी है, किसी को भेज कर देख कर आने को बोलिए तब पता चलेगा। क्या कार छोड़ कर आया है? कैसी बकवास कर रहा है? अरे भाई गणेश, तुम जाकर कार लेकर आओ और साथ में मेरे भाई को भी लेकर आओ। क्या दिमाग पाया है, मारने वाले को ही देखने भेज रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तू पहले उसे आने दे, उसके बाद मैं तुझे जूते लगाता हूँ। मालिक इसका पीछा करना ही मेरा काम है। चलता हूँ मालिक, देखना पता लगा कर रहूँगा। ये क्या, दरवाजा अपने आप खुल रहा है। ए रुक, मुझे पागल बना रहा है? तेरा पर्दाफाश करना ही मेरा काम है। वहाँ पर उसे तूने ही मारा था ना? ए सच बताना। मैंने नहीं। ए सच बोल। मैंने नहीं। तू नहीं। मैंने नहीं। तू नहीं। मैंने नहीं। तू नहीं। मैंने नहीं। तू नहीं। ये तो रुक गया। अरे आसपास कोई बचाने वाला भी नहीं, घूम रहा है, आ रहा है। यकीन क्यों नहीं करता? मैंने नहीं मारा। तू नहीं मारा। नहीं मारा। तू नहीं मारा। वो नहीं है, मना कर रहा है। डाउट क्लियर हो गया? हो गया। आज तेरा शक दूर हुआ है। महाशिवरात्रि की रात को तेरे मालिक का शक दूर होगा। फाइनल सेटलमेंट। फिर से सर हिला रहा है। मालकिन जी नहा रही हैं, अभी आ जाएंगी। मालकिन को रहने दो, तुम ही बैठ जाओ यहाँ। मालिक मालिक डिस्टर्ब तो नहीं किया? आप सचमुच बहुत ग्रेट आदमी है। हर कोई इंसान को काम पर रखता है, आपने एक भूत को काम पर रखा है। मालिक ए, तू ये सब क्यों कह रहा है? मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये सब वही कह रहा है। वो अकेला है पर उसके अंदर एक और है। हिल रहा हूँ मालिक, हिल रहा हूँ। मुझे तो शांति से दारू नहीं पीने देगा। दारू आज नहीं तो कल पी सकते हैं मालिक, जान जाने वाली है। मालिक जान जाने वाली है, गया वो इंसान वापस नहीं आता। आपको पता है उसके अंदर कौन है? आपने एक अच्छा काम किया था ना, वही जिसे आपने चाकू से मारा था मुनि, वही है उसके अंदर। अंदर से निकलकर एक ही बार चीखा था वो, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा अभी तक हिल रहा हूँ मालिक। hey, मुझे लगता है तुझे किसी पागल के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहा है? किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। इस घर में दो चिताएं चलने वाली है। ओ मुनि तेरा समय चालू हो गया है, मार मार। देखिए तो सर, आपकी बेटी चिल्ला रही है, समय चालू हो गया है। जाइए जाइए, जाकर देखिए। मेरी बात का विश्वास नहीं था ना? जाइए देखिए। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ? वो नया आदमी जिसे आपने काम पर रखा है, जब वो बॉडीगार्ड को मार रहा था तब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, अब वही देख रही थी। उसके पीछे और भी कोई दिखाई दे रहा था। समथिंग रॉन्ग डैडी, आप भी देख लीजिए। उसके अंदर कोई और दिख रहा है, जरा चालू करके दिखाओ। देखिए ना डैडी। हाँ?
आपने जो कहा था वो सही है। मुनि, मुनि ही है ये। सुनो, तुम बच्ची का ध्यान रखना। तुम दोनों इस रूम से बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगी। कुछ भी होगा तो मुझे बताना। अगर तुम लोग बाहर आए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ मालिक, चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? भूत भूत देख लिया है क्या? चेहरा बिल्कुल उतर गया है। उसके अंदर जो है वो मुनि का भूत ही है। मान गए ना, मान गए ना। अब पता है हमें क्या करना चाहिए? शहर में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ पर त्रिशूल के ऊपर नींबू लगा कर रखते हैं। वहाँ से नींबू लाकर अपने तकिए के नीचे रखकर आराम से सो जाइए। नहीं तो दूसरा रास्ता भी है, बाबा जी से ताबीज और भभूत लेकर उसको घर में डालते रहिए। बस यही आखिरी भूतों का इलाज है। क्या मैं इतना सीरियस होकर तुझे बता रहा हूँ और तो उसका मजाक उड़ा रहा है? इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? इंसान हो तो उसे आदमी के जरिए मरवा सकते हैं। वो एक भूत है, कल महाशिवरात्रि है, आपको मारने का प्लान बना रखा है। आपके घर में मेरा क्या काम है? आपने उसे मारा है, मैंने कौन सा पाप किया है बोलिए? भले ही वो चाहे कोई इंसान हो या फिर कोई भूत ही क्यों ना हो, इस शिवा प्रसाद का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हैदराबाद में मेरी जान पहचान का एक मस्तान भाई रहता है, वो हर तरह के भूतों को भगा देता है। भूतों को भगाने में वो माहिर है। उसका फोन नंबर देता हूँ, उसे तुरंत फोन करके यहाँ पर बुलाओ। या तो मुनि रहेगा या फिर मैं रहूँगा, फैसला हो जाएगा। मालिक, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसा क्या हो गया है? कहाँ गए थे तुम? मालिक, आपके भाई को, मेरे भाई को क्या हुआ? आप खुद ही बाहर चल कर देखिए। हेलो, हाँ क्या है? मस्तान भाई आ गए हैं। मालिक, मस्तान भाई इसी कमरे में ठहरे हुए हैं। तो बुला ना मस्तान भाई। अरे बाप रे, वो कॉलिंग बेल नहीं दिख रहा, उसे बजा। लगता है इस वक्त वो किसी भूत को भगा रहे होंगे। बेल बजा दिया मैंने, अब आप आगे आइए। यस, कम इन। नमस्ते मस्तान भाई। नमस्ते, बैठिए। बताइए। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। अब गणेश के शरीर से उस मुनि को भगाना है, यही चाहते हो ना? गणेश के शरीर से उसको निकाल दोगे तो वो किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके मुझे नहीं मारेगा, इस बात की क्या गारंटी है? मस्तान भाई, आप उस मुनि को पकड़कर उससे पूछो वो क्या क्या चाहता है, मैं वो सब करने को तैयार हूँ। तुम्हारी जान मांगेगा? सही है, वो मेरी जान मांगेगा। उसने मेरे भाई की जान तो ले ली है, आपको किसी भी तरह से उस मुनि से मुझे बचाना ही होगा। आज महाशिवरात्रि है ना, आज के दिन ही उसने मुझे मारने के लिए कहा है। जानता है मैं कौन हूँ? कौन है? मस्तान भाई ही है ना? वो दूसरे रूम में है। मस्तान भाई कौन से रूम में है? भाई कहाँ पर हो तू? तू यहाँ पर क्या कर रहा है? काम कर रही है। चलिए जल्दी सीधा से निकल चलते हैं। चलिए। आइए इधर से चलते हैं ऊपर। कहां पर है? दिख नहीं रहा है। पता नहीं किधर से आएगा वो, अब किधर जाए? मालिक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किधर जाए? आ,
मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। सही समय पर आ गए भाई, छोड़ना मत भाई, पकड़ लो भाई इसे। पकड़ो उसे। भाई बोल, तुझे क्या चाहिए? बोल, क्या चाहिए? बोल तुझे। इसने जो अन्याय किए हैं वो सब इसे सबके सामने मानने होंगे, और झोपड़पट्टी वालों से जो वादे किए थे वो सारे के सारे वादे इसे पूरे करने ही पड़ेंगे, आज ही पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, और फिर इसके बाद मुझे इसकी जान भी चाहिए। भाई बचाओ भाई। जो तूने कहा है वो सब ये करेगा, लेकिन तुम्हें इसकी जान कभी नहीं मिलेगी। तू जो बोल रहा हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे छोड़ दे मुनि। सुन, तू अपने लोगों की भलाई करना चाहता है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर तू उनको सच्चा प्यार करता है तो इसे छोड़ दे। अगर उसे मारने की सोची तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। इसकी शक्ति को तू अच्छी तरह से जानता है ना? हाँ? तू इसको नहीं मारेगा। वचन दे मुझे। नहीं दे सकता। वचन दे। मैं कह रहा हूँ वचन दे। अब बच गया। चल, तेरी जगह पर चलते हैं। एक बात सुनी? हमारे पुराने देवता के मंदिर के पास एक भाई ने एक लड़के को बैठा कर रखा है। इतना ही नहीं, सब कह रहे हैं कि उसके शरीर में मुनि है। साथ में हमारे एमएलए शिवा प्रसाद जी भी आए हुए हैं। चलो चलकर देखते हैं। किसी लड़के के अंदर आत्मा आ गई है, चलो चलकर देखते हैं।
रुक जाइए, वो आपका बेटा नहीं है, उसके अंदर अभी मुनि बैठा है। बोल कंती नाली के कीड़े। बोल। मुनि, मैं सब कुछ बता देता हूँ, मैं तुम सबको अभी एक सच्चाई बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो बैठा है उसका नाम गणेश है, लेकिन इसके शरीर के अंदर जो है वो मुनि है। मैंने तुम सबसे उस समय कहा था कि मुनि अपनी बेटी की शादी कराने के लिए तुम्हारे सारे पैसे लेकर ये शहर छोड़कर भाग गया है, लेकिन मुनि कहीं नहीं भागा था। मुनि और उसकी बेटी को मैंने ही मारा था, अपने इन दोनों हाथों से ही मैंने उन दोनों को मारा था। उसी मुनि की आत्मा अब इसके शरीर में घुस करके बैठी हुई है। शिव प्रसाद जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? किसी भी अनजान को यहाँ बैठा कर हमें कहानी सुना रहे हैं कि उसके अंदर मुनि है? तो इस झूठ पर यकीन कर सकता है कि मैं पैसे लेकर शहर छोड़कर चला गया हूँ, लेकिन आज जब ये सच बोल रहा है कि इसने मुझे मारा तो यकीन नहीं हो रहा। मैं ही हूँ तुम सबका मुनि, देखेगा। आप लोगों ने, इसके शरीर के अंदर मुनि की आत्मा घुसी हुई है और वो मुझे मार देना चाहती है। मैंने इससे पूछा था कि मुझे जिंदा छोड़ने के बदले में तुझे क्या चाहिए, तो इसने मुझसे कहा कि तुमने मेरे झोपड़पट्टी वालों से जो वादा किया है अगर तुम वो सब पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और इसीलिए मैं इन दोनों सूटकेस में पैसे भर कर लाया हूँ। आप लोग ले लीजिए, जो करना चाहते हैं कर लीजिए। मुनि, मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। भाई, अब आप मुनि से बात कर लीजिए, आप ही मुनि को समझाइए। अरे ओ पापी, मुनि ने आखिर तेरा क्या बिगाड़ा था? तुझे जिताने के लिए उसने रात दिन मेहनत की थी, तेरे लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहता था, 24 घंटे अपने सीने से तेरी तस्वीर लगाए रहता था। ऐसे भले इंसान को मार दिया, पैसा दिया तो क्या तुझे माफ कर देंगे? हमारे लिए पैसा बड़ा नहीं है, मुनि हमारे लिए बड़ा है। तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तुम में से कोई इसे कुछ नहीं करेगा। मैं वचन दे चुका हूँ कि मेरी और तुम्हारी तरफ से कोई इसे कुछ नहीं करेगा। अगर तुम लोग मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करते हो तो सब पीछे हट जाओ, तुम्हें मेरी कसम है। पीछे हटो, तुम सब लोग मुझे माफ कर दो। अब तक मैं तुम लोगों से बहुत नाराज था, तुम लोगों ने इसके बात का विश्वास किया कि मुनि पैसे लेकर भाग गया, लेकिन आज पैसों से भरे जब दो सूटकेस यहाँ पड़े हैं तो ये पैसे नहीं, ये मुनि हमारे लिए सब कुछ है। यही कहा आप सब लोगों ने ना? बहुत है मेरे लिए, यही बहुत है। तुम लोगों के लिए मैंने जान दी, इस बात की आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितने ही सालों से मैं अपने देवता को भोजन कराता रहा, पर इस साल मैं अपने देवता को छू भी नहीं सकता। एक दया कर, मेरे देवता पर चढ़ाया हुआ प्रसाद थोड़ा थोड़ा लाकर मुझे दे दो। तुम सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद लाकर मुझे दे दो, मुझे दे दो प्रसाद, मेरे देवता का प्रसाद मुझे दे दो, मेरे देवता का प्रसाद। उसे मत देख, जल्दी से यहां से चला जा, जा।
जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मुनि ने तुझे भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन हमारा भगवान तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। चलो ऐसे उठाओ, हमारे मुनि की इच्छा को हम खुद पूरा करेंगे। तुम अपने बेटे को हमारे देवता के पास लेकर आ जाओ। चल बेटा, आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। भाई, भाई, मुनि अब दोबारा नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। सच में ना? सच में। भाई, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, क्योंकि आप ही ने मेरी जान बचाई है भाई। लेकिन भाई, एक बात आप नहीं जानते, पैसे लेकर तो जा रहे हैं, हैं? लेकिन पैसे होने के बाद भी वो रोड नहीं बना सकते, बिजली नहीं जला सकते, घर नहीं बना सकते। एमएलए तो मैं ही हूँ ना, साइन तो मेरा ही लगेगा ना भाई। वापस वो लोग मेरे पास ही आने वाले हैं, अपना दिया हुआ सारा पैसा मैं वापस ले लूंगा। ये लोग मुझे मारने के लिए कह रहे थे, कल देखना मैं सारी झोपड़पट्टी में आग लगवा दूंगा। दोबारा वो आकर मेरे पैरों पे ही गिरेंगे। चलिए भाई चलिए। शिव प्रसाद, अब जाकर मुझे शांति मिलेगी, अब जा रहा हूं। बाप रे, अरे यहाँ ये बीच सड़क पर कौन पड़ा है? भगवान, मैंने, बाप रे, इसे किसने मारा? मैंने नहीं, मैंने नहीं, मुनि भैया ने मारा, मैंने नहीं मारा। भाई, नाटक मत कर, आत्मा वचन देकर वापस मारने नहीं आ सकती। तू नहीं उसे मारा है ना, बोल। भाई मैंने नहीं मारा है। तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, सच बोल। मैंने ही इसे मारा। मुनि भैया ने वचन दे दिया था कि वो इसे नहीं मार सकते, इसलिए मुझे मारने के लिए कहा। भाई, आम जनता तो यही समझेगी कि मुनि भैया ने ही इसे मारा है, और अगर मुनि भैया पर केस किया गया तो मुनि भैया को कोर्ट में लाकर खड़ा नहीं कर सकते। भूत है ना भाई, जज डर कर भाग जाएगा। मैं बता दूंगा। आप कुछ नहीं बताएंगे, यहाँ जो हुआ है न्याय है या अन्याय आप भी जानते हैं, नहीं बोलेंगे ना? थैंक यू भाई। माँ, डैडी, क्या कर रहे हैं अभी? जाओ बेटा, पब्लिक खाइए बेटा, पब्लिक।